हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरे इस चैनल के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सके, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज जिस हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है पक्षियों को दाना डालें वो पानी रखें। दोस्तों, आप सभी को पता ही हो कि हमारे जो नेचर है, हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा पर्यावरण है, उसमें अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जीव जंतु रहे, वो जलीय जीव हो, चाहे वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। तो उसी में हम देखते हैं कि एक जो हिस्सा है वो पक्षियों का भी होता है। और पक्षी जो होते हैं, आप आमतौर पर अपने आसपास, जैसे वैसे तो कई हजारों प्रकार के मतलब जो प्रजातियां होती है पक्षियों को पाई जाती हैं, बट उनको उनमें से ज्यादातर को वो अलग अलग देशों में एक बोलते हैं कि मौसम के हिसाब से और वनस्पति के हिसाब से और जगह के हिसाब से वो पक्षी में देखने को मिलते हैं। बट हमारे आसपास ऐसे कई सारे पक्षी होते हैं जो हमें कभी कभार देखने को मिलते हैं, और कई सारे पक्षी तो ऐसे भी होते हैं जो हमें चिड़ियाघर में अगर हम जाते हैं तो वहां पर उनकी दुर्लभ प्रजाति कई सारे में देखने को मिलती है चिड़ियाघर के अंदर। बट वो तो या जंगलों में रहते हैं या अपने अपने देशों के साथ अलग अलग जलवायु या मौसम के साथ अलग अलग जगहों पर रहते हैं, बट हम अपने आसपास भी कई सारे पक्षियों को आमतौर पर डेली हमें देख ही जाते हैं। जैसे कि अगर हम तीन चार पक्षियों की बात करें तो हम डेली अपने सुबह से लेकर शाम तक का जो हमारा रूटीन होता है, उसमें हम कभी घर से बाहर निकलते हैं या कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं या कुछ सामान लेने जाते हैं, तो हमें तीन चार प्रकार के पक्षी तो हमें डेली दिख जाते हैं। कुछ दुर्लभ ऐसे भी तो कभी कभार हमें दिख जाते हैं, कहने का मतलब। तो चार पांच प्रकार के पक्षियों की बात करें तो जैसे कौवा हो गया या कबूतर हो गया, कभी कभी हमें हिरन जो एक पक्षी होता है वो भी कभी कभी जहाँ पर जैसे कचड़े का ढेर वगैरह होता है, जहाँ पे कूड़ा वगैरह होता है, वहाँ पे हमें देखते हैं काफी सारे। उसके ऊपर हमें बाज वगैरह, गिद्ध वगैरह भी मंडराते हुए दिखते हैं। और जो छोटी चिड़ियों की बात करते हैं, गोरैया हो गई, चिड़िया स्पैरो हो गई, कभी कभी हमें तोता वगैरह भी दिख जाता है। और मतलब ये चार पांच प्रकार के पक्षी होते हैं हमें, जिसमें से कौवा और कबूतर और गोरैया तो हमें डेली कभी ना, और मैना बर्ड भी हो गए जो आप ज्यादातर पार्क वगैरह में या खंभों पर बैठे हुए या पेड़ों पर बैठे हुए कहीं भी आप इनको आमतौर पर देख सकते हैं। मतलब मैना, कबूतर, कौवा, गोरैया, कभी कभी बाज या गिद्ध, या कभी कभी हिरन, या कभी कभी हरे वाले जो तोता होते हैं, मतलब उनको भी आप देख सकते हो अपने आसपास। तो जो एक जो ज्यादातर हमें दिखते हैं, मतलब तोता हो गया या गिद्ध वगैरह, तो काफी तोता तो कभी कभार हमें दिखता है और गिद्ध काफी ऊंचाई पर उड़ता है और बहुत कम दिखता है। लेकिन जो हमें आसपास अपने घर पर कभी हमें घर पर हमेशा दिखते हैं, कबूतर, गोरैया या मैना और कौवे, मतलब ये जो तीन चार पक्षी होते हैं हमें डेली दिखते हैं, और ये कहीं भी इजिली उड़कर बैठ जाते हैं या खाने की तलाश में, दाने की तलाश में। और कई बार जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमने रेड लाइट पर हम देखते हैं, मतलब फुटपाथ के किनारे कई लोग एक दाना डालने का पॉइंट बना देते हैं, मतलब यहाँ पर वो दाना डालते हैं, और बहुत सारे कबूतर वगैरह आ गए। जिसमें कई बार जो व्हाइट वाले कबूतर भी जो हमें उसमें दाना चुगते हुए दिखते हैं, कहने का मतलब। तो ऐसा आपने रेड लाइट का जो क्रॉसिंग होता है या वहाँ पे जो एक बीच में एरो होता है, मतलब फुटपाथ वाला एरिया, वहाँ पे कई लोग दाना डालते हैं, मतलब। और वहाँ पे कई बार ऐसे दाना तो लोग डालते हैं, वहाँ पे एक बंदा बेचने वाला भी होता है कि वो 10 रुपये थाली, 20 रुपये में बड़ी थाली, इसमें दाने भरे होते हैं, दाल वगैरह भरी होती है, वो देता है, लोग उसको खरीद कर भी वहाँ पर डालते हैं। तो कहने में ये तो चलो वहाँ पे कभी विजिट किया तो लोग वहाँ पे खरीद कर डालते हैं। वहाँ पर हमें ऐसे जगह पर जहाँ पे दाना वगैरह डालते हैं या कोई बेच रहा होता है तो लोग खरीद कर डाल देते हैं, जिससे वहाँ बहुत ज्यादा झुंड में कबूतर वगैरह होते हैं और दाना वगैरह खा रहे होते हैं। लेकिन जो कबूतर वगैरह हमारे कॉलोनियों के आसपास घूमते रहते हैं, या दूसरे को गोरैया हो गई या दूसरे पक्षी हो गए, मतलब कभी कभार हमें दिखते हैं, मतलब मैना हो गई, तो एक तो हो गया उनको पॉइंट, जहाँ पे हमने पॉइंट्स बना दिए वहां पर वो खाना मिल जाता है। लेकिन हमारे घर के आसपास जब पॉइंट्स नहीं होते तो हमें क्या करना चाहिए,
उसके लिए हमें तीन चार हैबिट मतलब और तीन चार चीजें मतलब एक दो चीजें करनी चाहिए जिनको आप लोग करोगे तो उनकी हम अच्छे देखभाल कर सकते हैं। क्योंकि जब प्रकृति ने इन चीजों को बनाया है मतलब भगवान ने इन चीजों मतलब पक्षियों को बनाया है तो इनकी हम केयर तो हम कर ही सकते हैं। छोटी सी पक्षी होते हैं मतलब और इनको क्या दाना और पानी चाहिए होता है। गर्मियों के मौसम में आप सभी को पता ही होगा कि गर्मियों में जब नॉर्थ इंडिया में मतलब जब ये अप्रैल से लेके और जो जून का टाइम होता है मतलब खासतौर पर जो अप्रैल मई जून 3 महीने काफी गर्मी का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई लेवल पर होता है। तो उस टाइम लोग अपने साथ जब बाहर निकलते हैं चाहे ऑफिस जा रहे हो कहीं घूमने जा रहे हो किसी पर्पज से जा रहे हो मतलब तो वो लोग पानी की बोतल लेके निकलते हैं कहीं प्यास वगैरह लगे तो पानी को पी सके तो वो तो अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन कई सारे पक्षी ऐसे भी होते हैं मतलब जो ऊंचाइयों पर उड़ रहे होते हैं या कबूतर वगैरह होते हैं या कौए या गौरैया या दूसरे तोते वगैरह भी कभी दिखते हैं जो या मैना भी हमें छत पर दिखती है मतलब जो पानी की तलाश में जाने की तलाश में एक तो जहाँ पे पॉइंट है वहां तो उनको मिल जाता है। लेकिन जो आम घरों के आसपास घूमती रहती है तो वो दाना ढूंढती हैं या फिर पानी ढूंढती है मतलब। तो अगर कई चिड़िया जब उनको पानी या दाना टाइम पर नहीं मिल पाता तो वो मर जाती है कहने का मतलब। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें एक तो दो चीजें करनी चाहिए कि उनको चाहिए क्या दाना चाहिए और दूसरा उनको पानी चाहिए। तो छोटे छोटे बर्तनों के अंदर हमें छत के ऊपर क्योंकि ये चीजें कब आती हैं हमारे छत के ऊपर कब चली जाती हैं हमें कुछ पता नहीं होता है और ये चीजें हमारे घर के ऊपर से उड़ती वगैरह रहती हैं और देखती रहती हैं कि जहाँ वो थोड़ा मतलब दाना वगैरह रहता है तो आकर बैठ जाती हैं और खाकर उड़ जाती हैं। या कभी उनके पानी होकर स्रोत वगैरह दिख जाते हैं मतलब कि घर में छत पे किसी गड्ढे में या कोई पुराना बर्तन रखा हुआ उसमें पानी कहीं भर गया बारिश का तो पी रहती है। लेकिन ये तो एक सोची हुई थिंकिंग नहीं है। तो अगर पानी गर्मियों के टाइम में तो पानी होगा नहीं बरसात के मौसम में पानी चलो भर गया तो उन्होंने पी लिया। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे उनको ऑलवेज टाइम पानी वगैरह मिल सके या दाना वगैरह मिल सके। तो आपको या हमें यही करना चाहिए मतलब दो चीजें करना चाहिए कि हमें घर की छतों छतों के ऊपर मतलब एक बर्तन के अंदर दाने वगैरह जो गेहूं के दाने होते हैं या चावल के दाने या दाल के दाने वगैरह जो होते हैं या जो सब्जियां वगैरह होती है मतलब उनके थोड़े थोड़े पीसेस लेकर डालना चाहिए क्योंकि ये तो पत्तियां वगैरह भी खा जाती है दाने तो खाते ही हैं साथ में। तो एक बर्तन के अंदर जो अनाज के दाने होते हैं मतलब उसको डाल दिया और दूसरे बर्तन के अंदर में पानी भर के रख दिया। तो इससे क्या हुआ कि अगर हमारे छत के ऊपर से कभी कभार अगर कोई पक्षी पक्षी को डरता है चाहे वो कौवा हो चाहे वो कबूतर हो मैना हो या गौरैया हो तो वो जब इन इन चीजों की तलाश में अगर हमारे छत पे घूमेंगे मतलब और अगर उनकी नजर पड़ जाती है मतलब तो वो अगर वो बहुत ज्यादा भूखे हैं मतलब या उनको प्यास लगी हुई है तो हमारे छत के ऊपर आकर वो दाने को खाकर और पानी को पीकर अपनी प्यास अपनी भूख को मिटा सकते हैं। क्योंकि गर्मियों के टाइम में आप सभी को पता ही है कि जब गर्मी ज्यादा तेज होती है तो कितनी ज्यादा हमारे मतलब टेम्परेचर हाई होने की वजह से मतलब जब 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है तो मुंह सूखने लगता है और हम हर 1 घंटे में पानी पीते हैं 1 गिलास मतलब। तो तब भी हमें एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता क्योंकि लोग ठंडा पानी वगैरह पीते हैं मतलब गर्म पानी में वो मजा नहीं आता वो मतलब एक फीलिंग नहीं आती है मतलब। तो आपको आपको क्या बोलते हैं आपको जब व्यक्तियों की या मनुष्य की यह हालत हो सकती है तो पक्षी तो छोटी सी जान होती है मतलब तो उनकी क्या हालत होगी। तो अगर हम उनके उनके प्रति कुछ कर सकते हैं और हमारा कर्तव्य ये बनता है क्योंकि अगर हम चीजों को देखते हैं पक्षियों को देखते हैं तो हमें एक अच्छा फीलिंग होता है कि चलो जैसे बचपन में अभी मैं अभी की बात करूँ तो जैसे मैं जब सुबह उठता हूँ तो हमने भी छत पर बर्तन वगैरह पानी वगैरह रखा हुआ है मतलब और दाने वगैरह भी डाल देते हैं तो कभी कभार पक्षी आके खा के निकल जाते हैं। लेकिन जो और एक चीज मैं बताऊं कि जैसे आज के 10 साल पहले या 15 साल 5 साल पहले भी मैंने देखा था जो गोरैया बर्ड होती थी वो काफी ज्यादा दिखा करती थी मतलब। लेकिन अब ज्यादातर मेरे घर के आसपास मुझे कबूतर ही दिखाई देते हैं कौवे दिखाई देते हैं और मैना बर्ड दिखती है लेकिन जो गोरैया वाली प्रजाति है वो मुझे बहुत कम दिखाई देती है मतलब। तो
पता नहीं अब जो भी है मतलब, तो अगर हम इनकी केयर करेंगे तो ये लॉन्ग टाइम तक जिंदा रहेंगे और इनकी प्रजाति बनी बची हुई रहेगी। और इनको देखकर हमारे एक बचपन वाली फीलिंग भी आती है कि बचपन में हम देखते थे या सुबह उठकर वॉक पर जाते थे तो सुबह उठते ही हमने देखते थे कि छतों पर चींची आवाज आती थी चिड़ियों की मतलब, या तो सबसे पहले सुबह के टाइम कोई पक्षी उड़ता तो वो गोरैया उड़ती थी और उसकी चहकने के बारे में सुनाई देती थी, तो हमें पता चला था कि हाँ अब सुबह हो गई है मतलब, एक सुबह का एक अलार्म सा फीलिंग होता था। लेकिन अब मुझे बहुत कम मतलब महीने में कभी 4-5 बार कहीं 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 पे गोरैया बढ़ दिख गई तो दिख गई, क्योंकि वो छोटी छोटी सी मतलब, तो इनकी प्रजाति को हम तभी लॉन्ग टाइम तक से मतलब बचा के रख सकते हैं मतलब, जहाँ हम उनके प्रति कुछ करें या उनके प्रति हमारा कुछ करने का नजरिया बनेगा, तो वो यही नजरिया है और यही एक टाइम है कि जहाँ हम उनके लिए कुछ कर सके मतलब, क्योंकि इनकी हमें प्रजाति को बचाना है ताकि ये हमें हमारे मतलब हमारे एनवायरमेंट में बने रहे, बची रहे और सेफ रहे हमारे को मतलब हमारे एनवायरमेंट के अंदर। तो हमें यही दो चीजें सिर्फ करनी है मतलब, कि हमें छत के ऊपर एक बर्तन के दाने वगैरह रख दिया और दूसरे बर्तन में पानी वगैरह रख दिया, ताकि जब कोई पक्षी वगैरह हमारे छत के ऊपर से गुजरे मतलब, तो अगर उनको भूख वगैरह लगी हो या प्यास वगैरह लगी हो, क्योंकि ज्यादातर जो पक्षी वगैरह उड़ते हैं हमारे छतों के ऊपर से, कई बार वो छत पर आकर बैठ भी जाते हैं। मैंने कई बार देखा है कि मेरे जो सामने वाले जो पड़ोसियों की छत होते हैं उन पर आकर वो बैठते हैं, तो घर वाले जो आंटी है वो भी जो गेहूं के दाने वगैरह लेकर छत पे डाल देती है, तो वो दाने वगैरह खाकर उड़ जाते हैं और बर्तनों में पानी भी रख देते हैं मतलब, कई लोग मैंने देखा है जो फॉलो करते हैं, जो कि एक मतलब अच्छा काम होता है समाज के लिए भी, और समाज के लिए मतलब, क्योंकि अगर हम पक्षियों को बचा रहे हैं या उनके लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो समाज के लिए भी अच्छा ही काम है और हमारे एनवायरमेंट के लिए भी एक अच्छा काम है। और तीसरा ये एक पुण्य का काम भी होता है मतलब, जैसे आजकल कहा जाता है ना कि हम लाइफ में कुछ भी कर ले या कितना भी धन क्यों ना अर्जित कर ले मतलब, लेकिन वो चीजें जब व्यक्ति मर जाता है मतलब, तो वो चीजें आपके सांस में ऊपर नहीं जाती हैं, जाता क्या है आपने जो जीवन के अंदर अच्छे कर्म किए हैं, किसी का भला कर दिया, किसी के साथ अच्छी बातें बोल दी, या किसी को कुछ खिला दिया, या जानवरों को कुछ खिला दिया, या अच्छे कर्म कर दिए मतलब, जो भी हम अपने जीवन के अंदर लाइफ में अच्छे कर्म करते हैं वही हमारे साथ मरने के बाद ऊपर रहता है, और उसी उसी कर्मों के आधार पर ही हमारा लेखा जोखा होता है, कहने वाला हमें क्या पुनर्जन्म में मतलब अगले जन्म में हमें कौन सा जन्म मिलेगा, सब कर्मों के आधार पर ही होता है। तो जो भी आपने देखा होगा पार्क वगैरह में कई लोग जैसे चींटियां वगैरह लाइन से जा रही होती हैं, तो लोग वहां आटा डाल के डाल देते हैं या चीनी डाल देते हैं, तो वो सब अच्छे कर्म ही है मतलब। या जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया कि लोग रेड लाइट के जो पॉइंट्स होते हैं या फुटपाथ के जो कॉर्नर वगैरह होते हैं साइड होते हैं, वहां पे कोई बंदा दाने वगैरह का बोरी लेके मिक्स अनाज का, उसमें गेहूं भी होता है, दालें भी होती हैं, चावल भी होता है, वो थाली के साथ दे रहा होता है, तो जिनको अच्छा कर्म करना होता है पुण्य कमाना होता है, तो वो लोग जिसकी जो आस्था होती है मतलब, कोई 10 रुपए वाली थाली लेके वहां पर डाल देता है, कोई 20 वाले मतलब, कई लोग गाड़ियां रो रो कर गाड़ियों से उतर कर वहां पर खरीदते हैं उनको डाल देते हैं, तो यही सब अच्छे कर्म होते हैं मतलब, क्योंकि कबूतर या जो पक्षी या दूसरे पक्षी हो गए वो खुद तो इन चीजों को खरीद नहीं सकते ना, हम अगर तो इंसान ही खरीद सकता है मतलब, क्योंकि इंसान कमाता है मतलब, हाँ कोई ज्यादा कमाता है कोई कम कमाता है वो उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो उसकी नॉलेज और एजुकेशन और स्किल्स पे डिपेंड करता है कहने का मतलब। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए अपने मतलब अपने लाइफ के अंदर जो कि हमारे समाज के लिए भी अच्छा हो और हमारे एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा हो, और वो यही करना कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए मतलब, तो उसी अच्छे कर्म के अंदर हमें अपने आप को यह भी करना चाहिए कि हम आज के बाद जब भी मतलब हमें इस हैबिट को अपना लेना चाहिए कि एक छोटे मिट्टी के बर्तन में या घर में कोई प्लास्टिक का बर्तन है कोई सा भी बर्तन हो, उसमें एक में पानी भर कर रख दिया और एक बर्तन में अनाज के दाने डाल दिए कहने का मतलब, ताकि पक्षी वगैरह उसमें अगर छत पर रखने वाले पक्षी वगैरह आए वो दिखे तो खा ले, और आपको चेक भी करते रहना चाहिए कि 1-2 दिन बाद अगर उसमें देना अनाज वैसे ही बचे हुए तो मतलब, या थोड़ा सा कम हो गया तो मतलब पक्षी वगैरह आगे खाते जा रहे हैं, और जैसे इसमें अनाज कम हो जाए मतलब बर्तन में से अनाज सारे गायब हो तो मतलब कोई ना कोई पक्षी खा के चला गया है, और चेक करते रहना है कि इसमें डाल के छोड़ दिया और आपको पता ही नहीं है, और दूसरे पानी भी देखते रहना है कि अगर पानी खत्म हो रहा तो वापस आपको फिल रिफिल कर दिया और जो अनाज वाला डब्बा है उसमें आपको थोड़ा सा और डाल दिए दाने वगैरह, ताकि वो पक्षी आते रहे और खाते रहे, और
वो अपने वो अपने जो उनको प्यास लगती है उसको हटा सके और मिटा सके केमिकल। तो ये एक अच्छा काम है जो हमें समाज के हर एक व्यक्ति को करना चाहिए पक्षियों के प्रति, क्योंकि हमारे इन पक्षियों से हमारे बचपन जुड़ा हुआ है। गोरैया पक्षी को देखना, तोते को देखना, लेकिन गोरैया तो मेरे को बचपन से मैं देखता हूँ आ रहा हूँ, ज्यादातर मुझे कौवे और कबूतर ही दिखते हैं, लेकिन कभी गोरैया भी दिखती है। तो हमें ये एक अच्छा काम करने की इस सोच को अपने दिमाग में डालना चाहिए और ये दो हैबिट्स हमें आज से स्टार्ट कर देना चाहिए। छत पर पानी को रखना और एक बर्तन के अंदर दाने वगैरह डाल के रखना, अनाज के दाने, ताकि वो जब भी आए तो उनको वो अनाज का दाना या पानी का बर्तन खाली ना मिले और उनको भूख लगे तो उनको खाकर अपनी भूख और प्यास को मिटा सके। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो कि हमें पक्षियों की देखभाल करनी चाहिए इन दो तरीकों से। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, उस टॉपिक का नाम है आप अपने आप को हमेशा मजबूत रखो। मतलब इसको हम इसी टॉपिक को आज डिफाइन करेंगे, आप अपने आप को हमेशा स्ट्रांग रखें, मजबूत रखें। कैसे, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि आजकल का जो टाइम है काफी भाग दौड़ भरा है। हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में बिजी, अपने अपने काम को लेकर, चाहे अगर किसी भी एज की बात करें, अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ता हुआ क्यों ना हो, उसको अपनी स्टडी को लेकर टेंशन वगैरह रहता है और बिजी बंदा रहता है, मतलब रहते हैं। और जॉब करने वाले बंदे भी क्यों ना, तो उनको सुबह ऑफिस जाना, दिन भर काम करना, फिर शाम को आना, फिर दूसरी चीजें होती हैं दुनिया भर की। उसके अलावा जो घर में लेडीज है वर्क भी करती हैं, मतलब हाउस वाइफ के तौर पर, उनको भी सुबह उठ के नाश्ता तैयार करना और फिर बच्चे को रेडी करना, स्कूल भेजना, फिर घर के सारे काम करना। मतलब हर व्यक्ति का जो अपना अपना एक दिनचर्या होता है, अपने वो उस दिनचर्या के अंदर अपने अपने काम में बिजी रहता है। और आप सभी को पता है कि आजकल का जो टाइम है वो काफी भाग दौड़ भरा है और इस वर्ल्ड के अंदर कई सारे अलग अलग स्टेट से बिलोंग करने वाले लोग हम देखते हैं। मतलब कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है जिसके पास सारी सुख सुविधाएं, वो जो चाहता है वो खरीद सकता है, मतलब और बैंक बैलेंस होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, बड़े बड़े घर वगैरह होते हैं। सेकेंड पॉइंट पे हम बात करते हैं, सेकंड वो लोग होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग, जिनके पास बड़े घर तो नहीं लेकिन अपना खुद का घर होता है, मतलब गाड़ियां वगैरह भी होती हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई वो करते हैं और आगे उनका भी लाइफ अच्छा होता है। और तीसरे नंबर पर होता है सिंपल फैमिली या नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग, ये वो लोग होते हैं मतलब जो पढ़ाई वगैरह पूरी करने के बाद गांव से शहरों की तरफ आते हैं रोजगार की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में। और यहाँ पर आने के बाद वो जॉब वगैरह करते हैं, जॉब पर जाने के लिए उनके पास गाड़ियाँ भी नहीं होती, तो आमतौर पर देखा रहता है कि वो या तो बस से रहते हैं या ऑटो से रहते हैं, रिक्शा से रहते हैं। मतलब इस तरीके से जॉब करते हैं और अपने घर की नीड्स को पूरी करते हैं और अपने घर को संभालते हैं। और इस तरीके से उनकी जो लाइफ होती है काफी स्ट्रगल वाली होती है, मतलब क्योंकि अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको उनको पैसे मिलेगा और पैसे मिलेगा तो उनका घर का सारा खर्चा चलेगा। तो इस तरीके से उनकी लाइफ काफी स्ट्रगल वाली होती है, काफी मतलब मेहनत वाली होती है। और इसी तरीके से जब हम इस वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, मतलब तो जब कोई बच्चा पैदा होता है इस वर्ल्ड के अंदर, तो पैदा होने के बाद एक्चुअली चाहे वो किसी फैमिली में क्यों ना पैदा होता हो, तो पैदा होने के बाद वो दो तीन चीजें ही करता है अगले 3 साल तक, 1 से लेकर 3 साल तक। तो पैदा होने के बाद वो मतलब 3 साल तक, क्योंकि छोटा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, मतलब तो वो क्या बोलते, चलना फिरना सीखता है, खाना पीना सीखता है, बोलना वगैरह सीखता है, क्योंकि उसके दांत वगैरह निकलते हैं। और जैसे ही वो 1 से 3 साल तक इन चीजों को सीखता है और जैसे ही वो 3 साल कंप्लीट करके 4थे साल में प्रवेश करता है, तो उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया रहता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश में दो तरह के
स्कूल होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल जो कि फर्स्ट से लेकर प्राइमरी तक होता है, देन सिक्स से लेकर टेंथ तक जिसको हम सेकेंडरी स्कूल, देन सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक होता है जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। तो दूसरे तरह का स्कूल होता है प्राइवेट स्कूल जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकेंड, ऐसे करते करते आगे की बड़ी क्लासें होती हैं। तो जो बच्चा 14 साल में प्रवेश करता है उसे स्कूल में डाल दिया जाता है, और स्कूल डालने के बाद वो बच्चा वहीं से अपनी उसकी स्टडी लाइफ शुरू होती है। तो हर साल वो हर क्लास को अपने मेहनत लगन से पास करता हुआ रहता है, लेकिन क्योंकि वो छोटा होता है और ऐसा माना जाता है कि जो 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है वो बचपन का टाइम होता है, चाइल्डहुड का टाइम होता है। तो पढ़ाई तो वो करता ही, हर साल को मतलब हर क्लास को अपने मेहनत से पास करता हुआ जाता है, लेकिन इस जो मतलब 4 साल 13 साल तक का टाइम होता है चाइल्डहुड होने के कारण जो उसके हम उनके बच्चे होते हैं, चाहे वो उसकी गली में रहते हो, चाहे उसके स्कूल में रहते हो या क्लास में रहते हो या घर में क्यों ना चाचा ताऊ मामा बुआ के बच्चे मतलब, तो उसको हम उम्र के बच्चों के साथ खेलने में ज्यादा मजा आता है। मतलब वो चाहे गली में उसके दोस्त दिखते हैं, हम उनके बच्चे दिखते हैं, तो उनके साथ वो खेलता है, कूदता है, कई बार खेलते हैं कूदते वक्त चोट भी लगती है, मतलब कपड़े भी गंदे होते हैं, बाल भी गंदे होते हैं, लेकिन चोट भी लगती है तो कुछ देर के लिए रोता है, थोड़ा दुखी होता है, लेकिन फिर से वो दोबारा खेलना स्टार्ट कर देता है। और इस तरीके से उसका वो जो 4 साल से 13 साल तक का एज होता है वो यही करता रहता है। और लेकिन जैसे ही वो 13 साल कंप्लीट करता है और 14वें साल में प्रवेश करता है, तो उसका चाइल्डहुड का टाइम होता है वो खत्म हो जाता है, और वहां से फिर जो बच्चा होता है सिंसियर हो जाता है, मतलब चीजों को समझना शुरू कर देता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो देखता है कि उसे कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, कपड़े नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो कपड़े गंदे करेगा तो मैडम भी मारेगी स्कूल के अंदर और मम्मी भी डांटेगी क्योंकि मम्मी को कपड़े धुलने पड़ते हैं और उनको फिर धुलने में प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से मतलब उसे एक होमवर्क टाइम पे करना है, क्लास वर्क टाइम मतलब क्लास वर्क को अच्छे से करना है, टेस्ट वगैरह कैसे तैयारी करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो जो भी चीजें अच्छी होती है उन चीजों के बारे में वो सोचना शुरू कर देता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, दोनों में कंपैरिजन करना शुरू कर देता है। वो ये भी देखता है कि जो उसकी फैमिली में उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादाजी थे या नाना जी है, मतलब उन्होंने अपने टाइम में कितना किसी फील्ड में अपना करियर बनाकर उन्होंने घर की नीड्स को पूरी की, घर को संभाला और अपने लाइफ जी, इस तरीके से उसके पेरेंट मतलब फादर भी हैं वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के फिर आज हमारे मतलब हमको संभाल ले, हमारी नीड्स को पूरी कर रहे और अपनी जिम्मेदारियों को संभाल ले। तो इस तरीके आगे जाकर भी उसे कुछ करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी और घर को मतलब संभालना पड़ेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब हम अपने आप को मजबूत कैसे रखें, क्योंकि हर स्टूडेंट जो होता है एक ही प्रकार का नहीं होता है, मतलब हर किसी का जो माइंड का कैचिंग पावर होता है वो स्ट्रांग नहीं होता है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, किसी का मिडल होता है, किसी का बहुत ज्यादा वीक होता है। तो जिनका स्ट्रांग माइंड होता है स्कूल के अंदर या लाइफ के अंदर, तो उनको आप देखते हो कि वो लोग पोजिशन आते हैं, उनके 80-90% मार्क्स वगैरह आते हैं, जो एवरेज होते हैं मीडियम होते हैं पढ़ने लिखने में उनके 60-70% आते हैं, और जो वीक होते हैं उनके 40-50% आता है, जो बहुत ज्यादा डल मतलब वीक से भी जो नीचे आता है वो फेल हो जाते हैं, आगे कुछ कर नहीं पाते। तो कहने का मतलब हर एक स्टूडेंट का अपना अलग एक कैचिंग पावर होता है माइंड का मतलब। तो अगर जो बहुत ज्यादा वीक बच्चे होते हैं या मीडियम पढ़ने में होते हैं, तो जो तेज होते हैं वो तो उनको तो अपने लाइफ का पता होता है कि मैं इसको क्लियर कर लूंगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है मतलब, और वो फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है तो उनका डिसीजन लेने के प्रति वो काफी स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। लेकिन जो वीक होते हैं या मीडियम एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप को वीक पाते हैं, मतलब कि वो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, वो फील्ड चूज करने में भी काफी ज्यादा टाइम लगाता है। जैसे आजकल के टाइम में बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है अपना करियर में फील्ड बनाने के लिए, तो वो देखते हैं कि जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फोटोग्राफर, लेक्चरर, डायरेक्टर, टीचर और डांसर, सिंगर, मतलब जो चाहे आप बन सकते हो, लेकिन वो आपको बनने के लिए मेहनत, लगन, परिश्रम, हार्डवर्क, फोकस, एफर्ट, पेशेंस एंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि मैं ऑलरेडी आपको कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ मतलब। तो जो यहाँ पे जो स्टूडेंट मतलब स्ट्रांग होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं और काफी मतलब पढ़ने लिखने में तेज होते हैं, उनका मतलब वो काफी जल्दी डिसाइड कर लेते हैं इन चीजों के बारे में कि उन्हें क्या बनना है क्या करना है, फिर वो आगे नेक्स्ट स्टेप पर फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स वीक होते हैं या एवरेज होते हैं पढ़ने लिखने में, वो हमेशा उन चीजों से, उन क्वेश्चन से जूझते रहते हैं, मैं ये करूँ या ना करूँ, इससे मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, इसको बहुत हार्ड तरीके से करना पड़ेगा, इसमें मेहनत ज्यादा लगेगा, इसमें मेरे को फोकस बहुत करना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं वो कितने किसी डाउट में फंसे हुए रहते हैं और अपने आप को उस लेवल पर मतलब डिसीजन डिसीजन लेने के लेवल और अपने आप को बहुत ज्यादा वीक पाते हैं, मतलब अपने आप को
कमजोर पाते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं इस वीडियो के थ्रू, मतलब कि जब आप अपने, जब तक आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे, मजबूत नहीं रखोगे, तब तक आप अपने लाखपति जो आपका डिसीजन है, मतलब आप ले नहीं सकते जो आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो। मतलब और हर किसी को, मतलब भगवान ने हाथ पैर माइंड, और लुक अलग अलग होता है, हाइट या चेहरा का रंग अलग अलग होता है, लेकिन माइंड आँख कान नाक सबको भगवान ने बराबर ही दिए। तो आप खुद डिसाइड करना है कि आप अपना माइंड कितने परसेंट तक यूज कर सकते हो और लाइफ में आप कितने आगे तक जा सकते हो। और ये सब डिपेंड करता है, जो कि मैंने आपको 5 रूल्स बताए थे लाइफ के, हार्डवर्क, फर्स्ट, सेकेंड एफर्ट, तीसरा फोकस, चौथा प्रैक्टिस, एंड फिफ्थ पेशेंस, यानी धैर्य रखना। तो अगर आप इन 4-5 रूल्स को फॉलो करोगे और अपने आप को लाइफ में स्ट्रॉन्ग रखोगे, मतलब इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को अपने जीवन के अंदर स्ट्रांग रखो, मजबूत रखो। तो आप देखोगे जब आपकी, मतलब आप अपने आप को स्ट्रांग रखोगे, मजबूत रखोगे, तो आपकी मतलब डिसीजन लेने की जो क्षमता होगी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अपने आप को आप देखोगे कि जब आप अपने आप को स्ट्रांग रख रहे हो, तो जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसमें आप अच्छे से इन 4-5 रूल्स को फॉलो करते हुए आपको रिजल्ट भी बेटर मिल रहा है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है, आपका जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो भी बढ़ रहा है। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो आपको जो भी आप करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं लाइफ के अंदर, आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा और आपको एक पॉजिटिव मार्क्स देखने को मिलेगा कि हाँ, आपको उसमें धीरे धीरे और सक्सेस वाला एक अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, और आपको इम्प्रूवमेंट भी काफी तेजी से हो रहा है। और जब आपका इम्प्रूवमेंट होगा, तो आपका जो इरादा होगा काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा अपने लाइफ के गोल को अचीव करने का। तो इसीलिए इस वीडियो के थ्रू मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की, कोशिश किया कि आप अपने आप को हमेशा स्ट्रांग रखो, मजबूत रखो अपने जीवन के अंदर, ताकि आप जो बड़े डिसीजन होते हैं आपको अपने लाइफ में बच्चे, आप उनको अच्छे से ले सको और जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो वो बन सको। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का एक नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, जो कि हेल्थ पर बेस्ड है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे ग्रेट सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन दिख रहा होगा, तो अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आज हम उन 5 आदतों की बात करेंगे जो आपको कभी भी जीवन में, मतलब उनको अपनाना नहीं चाहिए और उनसे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो उन्हें हम 5 हैबिट्स की बात करेंगे, जिससे हमें दूर रहने की या ना होने की हमारे लाइफ में और कोशिश करनी चाहिए। मतलब क्योंकि आप सभी को पता ही होगा, आजकल का जो टाइम है काफी भाग दौड़ भरा है, मतलब और हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में बिजी, अपने अपने काम को लेकर। चाहे अगर हम इन्हीं इन्हीं बातों को, अगर हम जैसे अगर स्टूडेंट के रूप में बात करें, या जो बंदे जॉब करते हैं, या बंदे या वो डे टू डे जो घर में काम करते हैं, उन पर अगर बात करें, तो हर व्यक्ति का अपना, मतलब सुबह से लेकर शाम तक अपना वर्क रूटीन होता है, और हर व्यक्ति अपने अपने काम में बिजी रहता है। अगर हम स्टूडेंट के तौर पर बात करें, तो आप देखोगे कि चाहे वो, जैसे हमारे देश में आप सभी को पता ही होगा कि जैसे बच्चा 3-4 साल का होता है, मतलब बॉर्न, मतलब बच्चा पैदा होने के बाद वो 2-3 साल का होता है, उसके बाद जैसे ही वो 2-3 साल तक तो वो खाना पीना, बोलना बोलना, चलना फिरना सीखता है, और जैसे, लेकिन वो जैसे ही 4 साल का होता है, उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। और आप सबको ये पता है कि हमारे भारत देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, मतलब एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, जो कि फर्स्ट प्राइमरी, देन 6 से लेकर 10th, जिसको हम सेकेंडरी, एंड 6 से लेकर 12th तक भी होते हैं, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्कूल होते हैं, मतलब जो कि नर्सरी से स्टार्ट होकर फिर KG, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करते फिर आगे की बड़ी क्लासे होती है। और 12वीं की जब पढ़ाई पूरी हो रही, तो उसके बाद हमें हमारी 3 साल की कॉलेज भी होती है, और 3 साल के कॉलेज के बाद 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन भी होती है। वो आपको जैसे आप, जैसे जैसे आप करंट क्लास को पास करोगे, वैसे वैसे आप फिर अगली क्लास में आप बढ़ते जाते हैं। तो जब चाहे स्टूडेंट किसी भी क्लास में पढ़ने वाला क्यों ना हो, मतलब उसको अपने अपने, मतलब जब वो स्टडी कर रहा होता है, तो स्टडी के टाइम में वो जिस क्लास में पढ़ रहा होता है, या वो किसी भी क्लास में क्यों ना हो, तो उसके होमवर्क होता है, क्लास वर्क होता है, एग्जाम की प्रिपरेशन होता है, टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसको अपने अपने काम को लेकर एक अलग ही इसके दिमाग में वो रहता है कि हाँ, मुझे टाइम पर कंप्लीट करना है, टाइम पर होमवर्क करना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, असाइनमेंट करने हैं, एग्जाम की तैयारी वगैरह करनी है।
इसी तरीके से जो बंदे जॉब करते हैं उनको सुबह सुबह उठना होता है, तैयार होना होता है, ऑफिस जाना होता है, ऑफिस से फिर घर आना होता है, ऑफिस में जो मीटिंग करनी है, फाइलों को देखना है, या जो भी काम होता है उसको कंप्लीट करना है, जो लेडीजें वो घर पे वर्क करते हैं हाउस वाइफ के रूप में, उनको भी सुबह सुबह उठना, नाश्ता तैयार करना, बच्चे को स्कूल भेजना और हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार करना, फिर दोपहर का खाना करना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना, फिर रात का डिनर तैयार करना। इस तरीके से उनका भी जो लाइफ होता है पूरा दिन भर एक सर्कल के रूप में, एक के बाद एक काम आता रहता है, चलता रहता है। तो यही जो आजकल की भाग दौड़ भरी लाइफ है, और एक के बाद एक हमारे पास काम होते ही है मतलब जीवन के अंदर, तो ऐसे चीजों में हमें कुछ ऐसे हैबिटें को या दिमाग में रखना होगा जिनको हम अगर ना फॉलो करें, मतलब ना अपने जीवन में हो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे तो अभी हम उन 5 हैबिट्स की बात करेंगे जिनको हमें अपने लाइफ में फॉलो नहीं करना चाहिए। अब जैसे आप सभी को पता ही होगा कि जो हमारा जैसे आजकल सभी व्यक्ति मतलब ज्यादातर, क्योंकि जैसे अगर मतलब बहुत ही लोगों की आदत होती है देर से सोने की, मतलब तो हमारा जो पहला है चीज हमें देर से नहीं सोना चाहिए, और ज्यादातर लोग जैसे फोन में बिजी रहते हैं या फोन में चैटिंग वगैरह करते हैं, मतलब तो देर से क्या होता है काफी ज्यादा टाइम निकल जाता है। लोग कई लोग 11 11 बजे, स्टूडेंट भी रहते हो भी 11 11 बजे तक जैसे पढ़ाई पूरी करने के बाद फोन में चलाया या गेम खेला या जो भी किया, कहने मतलब सीधी सीधी है कि हमें जो देरी से सोने वाली आदत है मतलब उसको हमें दूर करना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा 11 बजे या 11:30 तक हो सके तो जल्दी से जल्दी सो जाना चाहिए, और सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहिए। वैसे तो आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि जैसे एक एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी होती है मतलब। तो अगर आप ये मान लो, अगर आप 12 बजे अगर आप सुबह और आपको सुबह जल्दी भी उठना है, मतलब 5 6 बजे सुबह जल्दी उठने की आदत भी अच्छी होती है, लेकिन जब आप रात को लेट सोओगे मतलब तो सुबह आप जल्दी उठ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठ भी गए तो आपने नींद कितने घंटे के लिए, मान लो अगर आप 12 बजे सोते हो और सुबह 5 या 6 बजे उठते हो तो आपने 4 5 घंटे की नींद ली, तो जो 2 घंटे की नींद आपने नहीं ली उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, आपकी बॉडी के ऊपर पड़ेगा। इस तरीके से तो आपको मतलब यही कोशिश करना है कि आप सारा काम खत्म करके रात का डिनर करके और जो फैमिली मेंबर्स उनसे बात वगैरह करने बात किया, और जो भी अगर मूवी वगैरह देखना तो मूवी देख लिया, लेकिन हो सके तो जो एक लेट नाइट तक मतलब जागने की आदत होती है मतलब 12 बार 1 1 बजे तक, उसको हमें लाइफ में नहीं रखना चाहिए अपने स्वस्थ शरीर के लिए खासतौर पर, क्योंकि हमारा शरीर अच्छा होगा, निरोगी होगा बिना मतलब, और जब अच्छे बोलते कोई भी मशीन जब हमारी अच्छी होती है मतलब तो वो लॉन्ग टाइम तक चलती रहे, हम जैसे किसी भी तरह से मतलब हमें अपने आप को इस जो हैबिट है मतलब देर से सोने की अगर हमारी है तो हमें उसको इम्प्रूव करना चाहिए, और इसको इम्प्रूव करते हुए हमें मतलब जल्द एक टाइम बनाना चाहिए मतलब अपने दिन में जो भी हम काम करते हैं खासतौर पर, तो जैसे सुबह जल्दी उठना हो गया, उसके बाद जो भी हम एक के बाद एक नेक्स्ट वर्क करते हैं, तो उसमें हमें जो अगर हम देखना चाहिए कि अगर हम देरी से सो रहे हैं मतलब उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे ही पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि जो लोग रात रात पर मतलब कई लोग लेट से होते हैं तो कुछ टाइम बाद उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स दिखने वगैरह लगते हैं, मतलब काले काले मतलब निशाने इस आंख के नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर आप देर रात तक जग रहे हो तो उसका एक दो या तीन ही रीजन होगा, या तो आप किसी से आप घर में अगर बात वगैरह कर रहे हो या मोबाइल चला रहे हो या टीवी वगैरह देख रहे हो, और इन तीनों चीजों में क्या होगा आपकी आंखें हमेशा खुली रहेंगी, और जब आपकी आंखों में नींद भी आ रही है लेकिन फिर भी वो जगे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हो या टीवी देख रहे हो, तो उसका जो बैड इफेक्ट होगा आपकी बॉडी पर पड़ेगा, जो बॉडी पर बैड इफेक्ट पड़ेगा तो उसकी जो आपको उसकी जो प्रॉब्लम है आपको बाहर निकलते हुए दिखेंगे, मतलब आंखों के नीचे काले काले धब्बे के रूप में भी आंखों में काफी, आपको एक सुबह के टाइम जब आप उठोगे या दोपहर के एक काम कर रहे होगे तो आपको उसका जो एक नींद वाला प्रेशर आपको दिखाई देगा कि आंखों में काफी आपके थकान है या आंखों के आगे कभी कभी एकदम धुंधला सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये होता है नींद पूरी ना होने की वजह से। नींद पूरी क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर आप लेट सोओगे और सुबह जल्दी उठोगे तो नींद आपकी पूरी नहीं होगी, तो इसलिए जो आपको पहली हैबिट अगर आपकी है, अगर आप देर से सोते हो तो इसको इम्प्रूव करना है, और जल्दी से सोने की आदत आपको डालनी है, देर से नहीं सोना है, ताकि आपका हेल्थ अच्छा हो, आप लॉन्ग टाइम तक हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा अच्छे रहे, और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आपका जो जीवन होगा एक हैप्पी होगा और
बेटर होगा। तो ये थी दोस्तों, हमने बात किया कि हमें अगर हम क्या बोलते हैं देर से सोते हैं तो हमें देर से सोने वाली हैबिट को जीवन में नहीं रखना चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहिए। और अगर हम देर से सोते हैं तो इसको इसे इस हैबिट्स को हमें जल्द से जल्द लाइफ से हटाने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारा दूसरा है, मतलब जो हमें हैबिट्स को नहीं डालने चाहिए वो है कि क्या बोलते हैं, अगर आप सुबह जो एक होता है सुबह लेट ना उठना, मतलब सुबह के टाइम एक तो हो गया, अगर आप लेट सोते हो तो आप सुबह लेट भी उठोगे। तो एक तो पहला मैंने बताया कि आपको सुबह रात को जल्दी सोना है, मतलब आपको मतलब हैबिट लेट नहीं सोना है, जल्दी सोने की आदत डालनी है रात के टाइम। दूसरा, आपको सुबह जल्दी उठने की, और एक तो आप देर से अगर सोते हो तो आपको देर से उठने की हैबिट को भी हटाना है, कहने का मतलब। तो अगर आप सुबह के टाइम अगर आपको हैबिट है देर से उठने की, मतलब तो उस हैबिट को भी हटाना है आपको, इस हैबिट को अपने लाइफ में नहीं होने देना है। क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो आप सुबह जल्दी उठने के कई सारे फायदे वगैरह होते हैं, मतलब जिनको आप कर सकते हो। अगर आप लेट उठते हो, मतलब तो उसको लेट उठने के बाद जो जिन चीज़ों को आप कर सकते हो उन उन चीज़ों को चाहते हुए भी नहीं कर सकते, और करोगे भी तो उसका वो आपको जो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको सुबह क्या बोलते हैं देर से नहीं उठकर, देर से सोकर नहीं उठना चाहिए आपको, और जल्दी उठना चाहिए कहने का मतलब। तो अगर मान लो जैसे अगर आप देर से सोकर उठोगे, मतलब तो आप जैसे ऐसा कहा जाता है कि जो लोग देर से उठकर उठते हैं या जो लोग जल्दी सोकर उठते हैं, मतलब तो अगर आप देर से सोकर उठोगे तो क्या क्या चीजें नहीं कर सकते सुबह के टाइम। जैसे बोलते हैं कि मॉर्निंग वॉक पर जाना अच्छा होता है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पर जाने से मतलब सुबह जो कि आप सुबह के टाइम में कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक पर जाने से आपका जो बॉडी होता है एकदम फिट रहता है, स्ट्रांग रहता है, एनर्जेटिक रहता है। और वॉक करने से कई लोगों का जो टमी बाहर आ रहा होता है, मतलब पेट बाहर आ रहा होता है, तो वो भी आपका कम होता है, मतलब और आपकी बॉडी काफी एकदम फ्रेश रहती है, क्या मतलब आपको एकदम एनर्जेटिक फील होता है। तो अगर आप सुबह उठकर, मतलब देर से अगर उठो सुबह उठोगे, मतलब तो ये चीज आप सुबह मॉर्निंग वॉक में कर सकते हैं। क्योंकि जो 5 से 6 बजे से पहले का जो टाइम होता है सुबह का, वो एकदम फ्रेश होता है, फ्रेश एयर होता है। और क्योंकि 6 बजे के बाद गाड़ियां वगैरह चलने लगती हैं, तो फिर वो एक मतलब जो हवा वगैरह होता है उसमें, तो फिर वो गाड़ियों वगैरह की गैसें वगैरह रहते हैं। लेकिन 6 बजे से पहले गाड़ियां वगैरह कम चल रही होती है, नहीं चल रही होती है, तो इसकी वजह से जो हमारा सुबह का माहौल होता है एकदम फ्रेश होता है, स्ट्रांग होता है और काफी अच्छा होता है। इसीलिए जब हम सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो हम एक पार्क के अंदर जाते हैं या जो रोड के साइड में भी मतलब जो पेड़ वगैरह लगे रहते हैं, मतलब सुबह के टाइम अगर हम वॉक करते हैं तो हमें काफी एक फ्रेश फीलिंग होता है, काफी एनर्जेटिक फीलिंग होता है। जो कि क्यों होता है, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठते हैं। इसी तरीके से आप सुबह के टाइम उठकर मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हो। मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना, तो ध्यान आप 2-3 तरीके से लगा सकते हो। एक तो ओम की चैंटिंग करते हुए, मतलब ओम की चैंटिंग करते हो तो आपका जो माइंड होता है वाइब्रेट होता है, आपको काल फील होता है, रिलैक्स फील होता है, आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि आप सुबह के टाइम मेडिटेशन करते हैं। और ये कैसे हुआ, जो आप सुबह जल्दी उठे, और अगर आप नहीं उठोगे तो फिर वो आपसे चीज छूट जाएगी। तो आपने देखा होगा आप जल्दी देर से जल्दी सुबह अगर आप लेट सुबह सोकर उठते हो तो आप मेडिटेशन वगैरह भी नहीं कर सकते, आप मॉर्निंग वॉक में नहीं जा सकते। तीसरी चीज, कई लोग सुबह उठकर योगा वगैरह भी करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं ताकि उनकी बॉडी फिट वगैरह रहे। तो सुबह उठकर कई लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, मतलब जो कि हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। और अगर आप सुबह उठते हैं मतलब सोकर, तो ये भी चीज आप नहीं कर पाते हैं सुबह के टाइम। जब आप नहीं कर पाओगे तो आपकी जो बॉडी होगी और मतलब फिट नहीं रहेगी, स्ट्रांग नहीं रहेगी, आपका जो हेल्थ होगा वो कुछ दिनों बाद आप इसी हैबिट को अगर कंटिन्यू करोगे सुबह जल्दी सुबह मतलब लेट उठने की, तो यही जो हैबिट होगी आपकी लॉन्ग टाइम के लिए बन जाएगी, और फिर ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो कहने का मतलब, आप सुबह अगर देर से सोकर उठते हो तो आपने देखा कि 3-4 चीजें आप नहीं कर पाते हो, आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हो, आप योगा नहीं कर पाते हो, अब मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा पाते हो, अब एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हो, क्या नहीं मान रहा। तो अगर आप सुबह जल्दी उठकर सुबह आप जल्दी उठते हो सोकर, मतलब तो आप देखते हो कि 3-4 चीजें जो आपके हेल्थ के लिए काफी अच्छा है, स्ट्रांग है, इससे आपको एनर्जेटिक फील होता है और आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी और हैप्पी रहती है, मतलब
तो इसीलिए आपको, आप देख रहे हो कितने सारी चीजें फायदे होते हैं सुबह जल्दी उठने के, मतलब, और अगर आप 1:30 के उठते हो तो आप इन चीजों को नहीं कर पाते हो। तो आपको यही कोशिश करना चाहिए कि आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, और जो अगर आपकी हैबिट है देर से सोकर उठने की, इसको आप अपने जीवन से मूव कर सके, मतलब, क्योंकि कुछ टाइम के बाद फिर बॉडी काफी, मतलब, क्योंकि आप ये एक्सरसाइज वगैरह नहीं करोगे तो, और सुबह उठकर वॉक वगैरह पे जाओगे तो बॉडी का उस पे बैड इफेक्ट भी पड़ता है, मतलब, और जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तीसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो है कि आपको जैसे आजकल के टाइम, जैसे आज के 10 साल पहले जो लोगों के पास मोबाइल उतना अपग्रेड वाला होता नहीं था, लोग नोकिया के फोन चलाते थे, मतलब बटन वाले होते थे, छोटे छोटे फोन होते थे, और जो स्मार्टफोन वगैरह उस टाइम काफी कम हुआ करते थे, मतलब, और बड़े जो जिनके पास पैसे हुआ करते थे वही लोग अफोर्ड करके स्क्रीन टच वाले फोन या एक एक छोटा सा पेन भी आता था जिसको हम उसको स्टिक से, मतलब, चलाते थे, मतलब, जैसे। तो कहने मतलब 8 के 10 साल पहले जो मोबाइल वगैरह आते थे, मतलब, उतने ज्यादा अपग्रेडेड नहीं होते थे, और जो छोटे, मतलब, जो स्मार्टफोन भी होते थे वो काफी महंगे वगैरह आते थे। लेकिन आजकल के टाइम में, आजकल बड़े से बड़े स्क्रीन वाले, टच वाले, ज्यादा से ज्यादा मेगा पिक्सल वाले फोन आ रहे हैं। तो तीसरे पॉइंट में आपको ये बात करूँ कि आप, हमें ज्यादा मोबाइल फोन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मोबाइल वगैरह चलाने से, एक तो आजकल के टाइम में सभी जब ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, मतलब, तो वो ज्यादातर जो काम होता है वो कंप्यूटर पर बैठ कर करते हैं या लैपटॉप के सामने बैठ कर करते हैं, और जो कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करते वक्त क्या होता है कि जो उसकी स्क्रीन होती है, स्क्रीन की लाइट आपकी आंखों में लग रही होती है, जो कि लॉन्ग टाइम तक काम करने से उसका जो एक इफेक्ट आपकी आंखों पर पड़ता है। इसलिए आजकल ज्यादातर लोग हमें चश्मा लगाते हुए दिखते हैं, और मैं भी लगा रखा हूँ, क्योंकि मैं भी काम करता हूँ 6 से 7-7 घंटे तक, मतलब, तो मुझे ज्यादातर काम जो होता है कंप्यूटर पर ही करना होता है। तो आपने देखा होगा कि मैं भी चश्मा लगाकर आप सभी से, मतलब, आपको अच्छी अच्छी बातें ही बता रहा हूँ जो कि आपके लाइफ के लिए अच्छी है, मतलब। तो कहने का मतलब, हमें ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि जो अब हमने दिन भर काम किया, या बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, तो आजकल के टाइम में, मतलब, जो छोटे बच्चे होते हैं पढ़ाई वगैरह करने के बाद घर में फोन वगैरह लेते हैं और लाते भी हैं पेरेंट्स से, क्योंकि उनके पास फोन नहीं होता तो वो अपने पेरेंट्स का फोन लेकर, शाम को पापा आ गए, मम्मी है तो उनका फोन लेकर चलाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि फोन चलाते वक्त जो फोन का जो आपने देखा होगा कि जो स्क्रीन की लाइट होती है वो आपकी आंखों में बार बार, क्योंकि आप कंटिन्यू गेम खेल रहे हो या कुछ चला रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उसकी जो लाइट होती है, मतलब स्क्रीन की, वो आपकी आंखों में लग रही होती है, जो कि आपकी आंखों के लिए काफी हार्मफुल होता है। मतलब आप जब कोई काम हो या कोई अच्छी वीडियो देखनी है मोटिवेशन से रिलेटेड, या सीखने से, इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड, या किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आपने यूट्यूब पे सर्च किया और देख लिया, या कुछ हेल्प ले ली गूगल से, तो वो आपकी लर्निंग में आ गया। लेकिन अगर आप बिना किसी पर्पज से आप कुछ फोन वगैरह चला रहे हो, तो चलो आप चला रहे हो तो आपकी लाइफ है, आप अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकते हो, कहने मतलब। लेकिन आपको अपने जीवन के बारे में भी सोचना है, मतलब कि ये चीजें, मतलब, आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, जो आप किसी चीज को कंटिन्यू वे में करोगे, लगातार 3-3, 4-4 घंटे आप फोन चला रहे हो, बैटरी यूज हो रही है, और आपकी फिंगर्स में आप कुछ कर रहे हो, मतलब गेम खेलो तो वो फिंगर्स में भी उसका जो पुशिंग पॉइंट्स होते हैं उस पे प्रेशर सा पड़ता है, कहने का मतलब, और आंखों पे भी इसका प्रेशर पड़ता है, कहने का मतलब। तो आपको जो यही कहूंगा कि ज्यादा मोबाइल फोन ना चलाने की आदत डालनी चाहिए। तो जो अगर आप ज्यादा मोबाइल फोन चलाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी एज का क्यों ना हो, तो यही कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको कुछ, अगर लर्निंग की चीजें सीखनी है या सीखनी है, तो एक टाइम डिसाइड करो, और जब कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तभी आप मोबाइल फोन को चलाओ, मतलब। और बाकी तो आपकी लाइफ है, आपको अपनी लाइफ के बारे में पूरा डिसीजन लेने का हक और राइट भी है, मतलब, तो वो आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन करना है। लेकिन आपको अपने हेल्थ के बारे में भी सोचना है, क्योंकि मैंने बताया कि जो लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है, मोबाइल की जो स्क्रीन की लाइट होती है वो आपकी आंखों के लिए हार्मफुल होती है, सही नहीं होती है। तो वो आपको डिसाइड करते हुए ही आपको, मतलब, आगे का, मतलब, डिसाइड करना है कि आप अपनी आंखों की सुरक्षा चाहते हैं या अपनी आंखों को और ज्यादा डैमेज करना चाहते हैं। इसलिए देखेंगे आजकल छोटे छोटे बच्चे भी, मतलब, जो ज्यादा फोन वगैरह चलाते हैं, तो उनको कुछ टाइम बाद आंख जब वीक पड़ जाती है, तो वही फिर डॉक्टर से मिलते हैं, फिर चश्मा वगैरह आंखों में लग जाता है, और
मैं तो 8-8 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा काम भी कंप्यूटर पर होता है, इसलिए मैं अभी 2-3 साल से चश्मा लगा रहा हूँ, मतलब क्योंकि मेरा काम भी टोटली कंप्यूटर पर ही होता है। बाकी मेरा वही बात फोन की, मैं फोन बहुत ही कम इस्तेमाल करता हूँ, अपने घर पे हूँ चाहे ऑफिस में हूँ या कहीं भी हूँ, फोन में सिर्फ बहुत ही नाम के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने देखा इन चीजों को, इसलिए मैं आपको संग शेयर कर रहा हूँ कि आप कम वर्ड मतलब ज्यादा मोबाइल फोन ना चलाएं अपनी आंखों की बेहतरी के लिए, मतलब। और जो फोर्थ जो हैबिट है जो आपको नहीं करना चाहिए वो ये है कि आपको जैसे जो खाना वगैरह होता है सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, दोपहर का लंच हो गया, रात का डिनर हो गया, इन जो भी आपका खाने का टाइम है उसको मतलब समय पर, जैसे कई लोग नहीं खाते मतलब, तो समय पर ना खाने से उनका हेल्थ की प्रॉब्लम इश्यू होने लगती है, क्योंकि कोई जब हमें कोई चीज सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट का टाइम होता है मतलब 9 बजे तक, तो अगर वही ब्रेकफास्ट हम लेट करते हैं और फिर उसके बाद फिर 1-2-3 घंटे बाद 1 से 2 के बीच में लंच का टाइम हो जाता है, और अगर हम ब्रेकफास्ट 10 बजे किया फिर 1 बजे खाते हैं, तो जो टाइम टेबल होता है बॉडी का, क्योंकि बॉडी में जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसको पता होता है कितने टाइम में ब्रेकफास्ट, मतलब आपकी बॉडी को ब्रेकफास्ट और डाइट मिलेगा, इसके बाद फिर लंच मिलेगा, फिर डिनर, तो एक प्रॉपर टाइम है जब मशीन को वो खाना मिलता है मतलब, तो वो उसी हिसाब से उसको मतलब उसको पाचन करती है मतलब ठीक करती है मतलब डाइजेस्ट करती है। लेकिन पहले हम क्या बोलते हैं कि हमने लेट ब्रेकफास्ट किया, लेकिन उसके 2 घंटे बाद हमने लंच भी खा दिया, तो एक प्रॉपर गैप नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे भी इसका इफेक्ट हो सकता है। तो हमें पर कहने का मतलब, हमें हमारी अगर आदत है लंच हो गया या डिनर हो गया या ब्रेकफास्ट हो गया, हम लेट करते हैं मतलब या टाइम पर नहीं करते हैं, तो हमें इस हैबिट को चेंज करना चाहिए, और जो भी हमारा टाइम है मतलब खाना खाने का, चाहे वो सुबह का ब्रेकफास्ट अगर हम 9 बजे करते हैं तो 9 बजे ही करें, या 8 बजे करते हैं तो 8 बजे ही करें, या लंच हम 1 से 2 के बीच में करते हैं तो 1 से 2 के बीच में करें, कभी 3 बजे ना करें या 12 बजे भी ना करें, हम रात का डिनर 9 बजे के 10 के बीच में करें, 9 से 10 के बीच में करें, लेट नहीं करें कहने का मतलब। तो ऐसे हैबिट अगर आपकी है मतलब कि जो आपका टाइम टेबल है खाना मतलब खान पान का, मतलब सुबह का हो, दोपहर का हो, या रात का हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो, तो आपको लेट नहीं करना है, टाइम पर करना है अपने सेहत की बेहतरी के लिए, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, और आपका स्वास्थ्य अच्छा हो तो आप हैप्पी रहोगे, स्ट्रांग रहोगे और खुश रहोगे। और जो पांचवी और लास्ट हैबिट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको अपनी लाइफ में नहीं करना चाहिए, वो ये है कि आजकल के टाइम में काफी ज्यादा स्ट्रीट फूड्स का जमाना है, मतलब हर कोई स्ट्रीट फूड या ऑयल जैसे पसंद करता है, मतलब फास्ट फूड हो गया, जो कि एग्जांपल के तौर पर आप सभी देखते होंगे कि चाउमीन, बर्गर, टिक्की, समोसा, पिज्जा, मोमोज और भी बहुत सारी चीजें, मतलब फ्रेंच फ्राइज, तो बहुत सारी चीजें स्ट्रीट फूड भी कह सकते हो, फास्ट फूड भी कह सकते हो, जो कुछ ही मतलब कुछ ही मिनटों में रेडी हो जाता है, और काफी लोगों को चटपटी चीजें पसंद होती हैं, तो लेकिन ये जो चीजें होती हैं कभी कभार टेस्ट के लिए तो अच्छी होती है, बट ऐसे हेल्थ पर्पज से अगर आप इन चीजों को खाते हैं मतलब टेस्ट के लिए तो अच्छी होती है, मोमोस हो गया, बर्गर, टिक्की, चाउमीन, समोसा हो गया, मतलब बट टेस्ट पर्पज से ओके होते हैं, जो कि आप कभी कभी इन चीजों को खा सकते हो, बट आप इन चीजों को मतलब एक हैबिट के तौर पर नहीं खाना चाहिए, मतलब कि मोमोज खा रहे हैं मतलब, तो इन चीजों का काफी मतलब बॉडी पे इफेक्ट भी होता है, जैसे कि ज्यादा तीखी चीज, मोमोज की जो चटनी होती है काफी ज्यादा तीखी होती है, और तीखी चीज अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए, तो आप कभी कभार खा सकते हो, बाकी तो आपका राइट है कि आप जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हो मतलब, लेकिन अगर आपको अपने हेल्थ को अच्छा रखना है मतलब, तो पांचवें पॉइंट के जरिए बता रहा हूँ, ज्यादा तली हुई चीजें आपको नहीं खानी, क्योंकि जो समोसा तलते हैं या मोमोस भी, एक होता है स्टीम वाला होता है, एक होता है फ्राई वाला, तो जो मोमोस को जो तल के निकालते उसमें भी काफी ऑयल होता है, छोले भटूरे हो गए तो भटूरे को जिसको तल जिसमें तल के निकालते हैं भटूरे में काफी ऑयल होता है, या दूसरी बहुत सारी ऑयल वाली चीजें होती है, मतलब बर्गर होता है, बर्गर को भी आजकल जैसे कॉलोनियों के अंदर जो मार्केट में बेचते हैं मतलब बर्गर, तो बर्गर में भी जब उसको तेल में से फ्राई करके खाते हैं उसमें भी ऑयल होता है, तो कहने मतलब जो भी तली हुई चीजें होती हैं आपकी हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल होती है, और आपको इन चीजों को मतलब खाने की आदत नहीं डालनी चाहिए मतलब। और अब
अगर आप इन चीजों के आदत डालते हो तो आप सभी को पता ही है कि जो टेस्ट में तो आपको काफी अच्छा लगेगा, लेकिन जब यही चीज काफी लॉन्ग टाइम तक आप इन चीजों का हैबिट बना लेते हैं, तो आप देखते हैं कि जो लोग ज्यादा ऐसी चीजें खाते हैं तो उससे उनका जो फैट होता है बॉडी का बढ़ने लगता है। मतलब फिर वो ऐसे कोई लोग पिज्जा खाते हैं या बर्गर खाते हैं, समोसा, टिक्की, मतलब एक टेस्ट के तौर पर ना खाकर एक हैबिट के तौर पर खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो वेट होता है बॉडी का वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और जब वेट बढ़ने लगता है तो काफी सारी चीजें क्रिएट होने लगती है हेल्थ से रिलेटेड। मतलब जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, सांस फूलने लगता है, क्योंकि जब आपके बॉडी का वेट बढ़ने लगेगा तो आपके साथ कई सारे बीमारियां भी जुड़ने लगती हैं आपके साथ। मतलब डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं, मतलब जब वेट बढ़ता है तो ज्यादा ढाई से ज्यादा जब बंदा ऑयली वगैरह चीज खाए तो चीनी या शुगर से रिलेटेड चीजें भी खाएगा ही, तो मतलब एक के बाद एक फिर दूसरी बीमारियां बढ़ने लगती है। तो कहना है मतलब आपको सीधी सीधी ज्यादा तली हुई चीजें खाने की ना आदत डालनी है, और इसके लिए आपको फ्रेश फ्रेश चीजें खाने चाहिए, फ्रूट्स हो गया, सैलेड हो गया, जूस हो गया, और वेजिटेबल जूस वगैरह हो गया, या प्रोटीन के लिए चने होते हैं, मतलब जो अंकुरित वाले चने होते हैं उनमें उसका आप सैलेड बना के खा सकते हैं। मतलब तो खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन आपको वो चीज खाना है जो आपकी हेल्थ के लिए बेटर हो, बेस्ट हो, जो आपको लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रखे। कहने मतलब अगर आप ऐसी चीजें खाते हैं तो उसका आपको फिर आगे रिजल्ट आपके हेल्थ को उसका काफी बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो डिसाइड आपको करना है आपकी लाइफ है कि आपको किस वे में आपको अपने हेल्थ को बेटर रखना है या अपने टेस्ट को महत्व देना है, जो आपकी जबान का मतलब, क्योंकि चीजें तो होती हैं टेस्टी और जो स्ट्रीट फूड या फास्ट फूड होती है, लेकिन वो हेल्थ पर्पज से वो ठीक नहीं होती है। कभी कभार आप खा सकते हो बट उसको आप कंटिन्यू वे में अगर खाओगे तो उसका आपको बैड इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे चार पांच वो हैबिटेज जो आपको अपने लाइफ में इनको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, और जीवन में इनको अपने ऊपर मतलब इनको इनको अपने साथ इनको अपने जीवन का एक हिस्सा या हैबिट बनने से इनको दूर करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि ये ऐसे जो चार पांच मैंने आपको हैबिट्स बताई हैं वो आपके लाइफ में ना हो, क्योंकि अगर ये आपके लाइफ में नहीं होगी तो आपका जो लाइफ है वो काफी बेटर होगा। तो आशा करता हूँ कि आप इन चार पांच हैबिट्स को नहीं अपनाएंगे और इनको फॉलो करेंगे। कैसा लगा आप सबको मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशन वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए इन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कि हमेशा अपने जीवन लक्ष्य पर फोकस करें। मतलब आपका जो भी अपने जीवन का लक्ष्य है उस पर हमेशा फोकस करें, हमेशा अपने जीवन के लक्ष्य पर फोकस करें। मतलब तो इस टॉपिक पर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को पता ही है कि आजकल का जो टाइम है काफी भाग दौड़ भरा है, हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में बिजी है, अपने अपने काम को लेकर, चाहे हम अगर स्टूडेंट की बात करते हैं स्टूडेंट के लाइफ में भी, चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना पढ़ता हो, होमवर्क करना है, क्लास वर्क करना है, एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, प्रैक्टिकल करना है, असाइनमेंट बनाने हैं, प्रोजेक्ट बनाने हैं, और इस तरीके से जो बंदे जॉब वगैरह भी करते हैं तो उनको अपना सुबह उठना है, फ्रेश होकर ऑफिस जाना है, ऑफिस सारा काम करना है, मीटिंग वगैरह टाइम पर करनी है, फाइलिंग वगैरह काम करना है, जो भी उनका काम वो करना है। इस तरीके से जो वर्किंग लेडीज होती है उनको भी सुबह उठकर नाश्ता तैयार करना, सुबह दोपहर का मतलब सुबह लंच पैक करके देना, बच्चे को स्कूल भेजना, फिर घर के सारे काम करना, मतलब तो इस तरीके से जिन हर व्यक्ति का जो अपना अपना लाइफ का दिनचर्या होता है, डेली रूटीन होता है, मतलब हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में अपने अपने काम को लेकर बिजी है। और इस तरीके से हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है इस वर्ल्ड के अंदर अलग अलग स्टेट से बिलोंग करने वाले लोग हम देखते हैं, कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई सिंपल क्लास फैमिली या नॉर्मल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। जो बंदा या जो व्यक्ति रिच फैमिली से बिलोंग करता है उसके पास सारी सुख सुविधाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर हैं, जो चाहे वो इजी मतलब आसान तरीके से बंदा खरीद सकता है, मतलब बड़े बड़े उसके बिजनेस होते हैं, मतलब और लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है। सेकंड नंबर पर देखते हैं मीडियम क्लास फैमिलीज को, जो
उनकी भी लाइफ अच्छी होती है, अच्छे ढंग से जॉब कर रहे होते हैं, अच्छी अच्छे से पढ़ाई वगैरह की होती है, और अपनी गाड़ी होती है, घर वगैरह भी होता है, मतलब और इस तरीके से जो जो थर्ड लेवल पे होते हैं, सिंपल क्लास है, नॉर्मल क्लास और क्लास है, फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग, ऐसे लोगों की लाइफ में कभी ज्यादा स्ट्रगल होता है, मेहनत होता है, और ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि जो पढ़ाई वगैरह उतनी ज्यादा बड़ी नहीं कर पाते हैं, मतलब बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग नॉर्मल पढ़ाई वगैरह करके, मतलब ग्रेजुएशन तक करके फिर काम की तलाश में गांव से शहरों की ओर जाते हैं, दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, ताकि उनको रोजगार मिल सके, वहीं पे काम कर कर अपने घर को संभालते हैं और घर की नीड्स को पूरी करते हैं। ऐसे बंदों के पास अपना घर का भी नहीं, और मतलब अपना घर नहीं होता, क्योंकि वो बाहर से आते हैं, मतलब दूसरे शहर से, तो शहरों में जाकर रेंट पर रहते हैं, सुबह ऑफिस जाने के लिए भी बस पकड़ते हैं, ऑटो पकड़ते हैं, रिक्शा पकड़ते हैं और अपने ऑफिस जाते हैं, और काम करते हुए अपने घर को संभालते हैं और घर की नीड्स को पूरी करते हैं, तो इस तरीके से इनका लाइफ वगैरह चलता रहता है। और इस तरीके से जब कोई बच्चा मतलब इस वर्ल्ड के अंदर पैदा होता है, मतलब चाहे वो किसी फैमिली में क्यों ना पैदा होता हो, तो ऐसा माना जाता है कि 1 से लेकर 3 साल तक की जो एज होता है, वो इस एज के अंदर दो तीन काम ही करना सीखता है, जैसे चलना फिरना हो गया, बोलना हो गया, क्योंकि उसके दांत वगैरह निकलते हैं, और खाना वगैरह सीखता है, मतलब चलना फिरना, बोलना, खाना पीना, और यही चीजें करना सीखता है, मतलब जैसे ही वो मतलब चौथे साल में प्रवेश करता है, मतलब उसे स्कूल में डाल दिया जाता है, मतलब पढ़ाई करने के लिए, जैसे 3 साल कंप्लीट करके वो चौथे साल में प्रवेश करता है। और आप सभी को पता है कि हमारे भारत जैसे देश में दो तरह के स्कूल होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल, जो कि 1 से लेकर प्राइमरी तक होता है, देन 6 से लेकर 10 तक, जिसको हम सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं, और देन 6 से लेकर 12 तक होता है, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं। दूसरी तरह का स्कूल होता है प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो स्टार्ट होता है वो केजी से स्टार्ट होता है, देन LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, नर्सरी, नहीं सॉरी, नर्सरी से स्टार्ट होता है, देन नर्सरी, KG, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, इस तरीके से आगे की बड़ी क्लास होती है, तो उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है, और फिर वही बच्चा वहीं से अपनी स्टडी लाइफ शुरू करता है, वहीं से पढ़ाई करना शुरू करता है, तो वो हर एक क्लास को अपनी मेहनत लगन और परिश्रम से पास करता हुआ तो जाता है, लेकिन क्योंकि वो भी छोटा होता है, तो ऐसा माना जाता है कि जो 4 साल से लेकर 13 साल तक की रहती है, वो बचपन का टाइम होता है, चाइल्डहुड का टाइम होता है, तो उस बच्चे का जो भी उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं, मतलब चाहे वो उसकी गली में रहते हो, क्लास में हो, स्कूल में हो, या घर के अंदर मामा, बुआ, चाचा, ताऊ के लड़के, मतलब जो भी बच्चे होते हैं, मतलब उनके साथ उसको खेलने कूदने में काफी मजा आता है, क्योंकि वो बचपन का टाइम होता है, और जब वो खेलता कूदता है तो कई बार उसको चोट वगैरह भी लगती है, कपड़े वगैरह भी गंदे होते हैं, बाल वगैरह भी गंदे होते हैं, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़े अगर चोट भी लग जाती है तो कुछ टाइम के लिए वो दुखी होता है, लेकिन फिर से वो दोबारा से खेलना स्टार्ट कर देता है, और इस तरीके से उसका मतलब 4 साल से 13 साल तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन जैसे ही वो 14वें साल में प्रवेश करता है, 14 ईयर में, तो वो धीरे धीरे बाहर की चीजों को समझना शुरू कर देता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मुझे होमवर्क टाइम पर करना है, नीट एंड क्लीन दिखना है, कपड़े गंदे नहीं करने, क्योंकि कपड़े गंदे करेंगे तो मम्मी मारेगी, और कपड़े धोने में प्रॉब्लम होगी, मैडम भी मारेगी, मतलब तो वो अपने लाइफ के बारे में मतलब डिसीजन लेना और सोचना शुरू कर देता है। वो ये भी देखता है कि जो उसके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादाजी हैं या नाना जी हैं, उन्होंने अपने लाइफ में कितने कितने फील्ड में अपना करियर बनाकर हमारे घर को संभाला, हमारे जो उनके पिताजी उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई, फिर उनके पिताजी ने और घर की नीड्स को पूरी किया, उस तरीके से उनके पिताजी ने भी मतलब आज किसी ना किसी फील्ड में करियर बनाकर घर को संभाल रहे, घर की नीड्स को पूरी कर रहे हैं, और अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, कहने वाले, तो इस तरीके से इसको अगर अगर अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ अच्छा बनना पड़ेगा, ताकि वो भी अपने लाइफ में मतलब कुछ कर सके, कुछ बन सके, तो आप सभी को पता है कि आजकल के टाइम में अगर हमें कुछ बनना है लाइफ के अंदर, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, अपना किसी मतलब जो जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एग्जाम्पल तौर पर फोटोग्राफर, लेक्चर, डायरेक्टर, टीचर, डांसर, सिंगर, अच्छी बॉडी वगैरह, हाइट वगैरह होती है, लोग आर्मी वगैरह में भर्ती हो जाते हैं, या बहुत सारे लोग बॉडी गार्ड, जिम ट्रेनर, बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ही बन जाते हैं, तो आजकल हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं, आपको बस डिसीजन ये लेना है कि आप अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हो, तो इससे इस तरीके से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जो आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो, पहले उसको डिसाइड कर लो कि आप अपने लाइफ का लक्ष्य क्या है, आप अपने लाइफ में बनना क्या चाहते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा जो आपके अपने लाइफ का लक्ष्य है उस पर आप फोकस करें, क्योंकि आप उसी को फोकस करोगे तभी अपने आप अपने लाइफ में कुछ बन सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो
आपको मैंने इतने सारे ऑप्शन बताए, बाकी जो भी आपको उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हो तो आप उसको सोच सकते हो उसके बारे में। और सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, यानी निर्णय लेना पड़ेगा कि आप निर्णय बनना आप अपने लाइफ बनना क्या चाहते हो, और डिसाइड करने के बाद आप फिर उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो। मतलब क्योंकि उसमें जब आप क्योंकि वो जो भी आप अपने लाइफ बनना चाहते हो वो कोई 1 साल 1 महीने या 2 साल या 3 साल में आप उसको अचीव नहीं कर सकते, इट विल टेक टाइम। मतलब तो आपको उसके ऊपर जैसे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो से बता चुका हूँ कि आपको उसको अचीव करने के लिए जो आप बनना चाहते हो आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा लाइफ के अंदर, आपको उस पर पूरा 100% फोकस करना पड़ेगा, आपको अपना 100% एफर्ट देना पड़ेगा, आपको उस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा मेरा रहता है कि प्रैक्टिस करने से ही परफेक्शन आते हैं, क्योंकि बोलते हैं इंग्लिश में कहावत है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट परफेक्ट बनाती है। तो आपको उस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो भी आप अपने लाइफ बनना चाहते हो। तो मान लो आपने डिसाइड कर लिया तो जो भी आपको उसमें काम वगैरह या प्रोजेक्ट या टास्क या प्रैक्टिकल मिलता है तो आपको उसमें हार्ड वर्क फोकस एफर्ट प्रैक्टिस और पांचवी चीज आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये चीजें जो आप अपने लाइफ में लक्ष्य को डिसाइड करते हैं वो कोई 1 साल 2 साल या 3 साल में नहीं, जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं हो जाओगे आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं आ जाएगी तब तक आप उसमें सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर इतने सारे डांसर हैं या क्रिकेट बहुत सारे बंदे खेलते हैं बट बहुत ही कम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि जो बंदे आगे बढ़ते हैं उनके अंदर वो क्वालिटी आ जाती है, वो परफेक्शन आ जाती है। जब तक आपका परफेक्शन नहीं आएगा तब तक आपको कोई नहीं पूछेगा। मतलब तो आपको अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करनी है, वो परफेक्शन लाना है, और ये सब कैसे होगा जो मैंने आपको 4-5 चीजें बताई हैं। और उसके पहले आपको आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप अपने बनना क्या चाहते हैं, और बनने के बाद आपको उस पर ऑलवेज टाइम उसी पर मतलब केंद्रित मतलब उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, मतलब केंद्रित होकर उस पर रहना पड़ेगा जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो। मतलब और जब आप इन रूल्स को फॉलो करोगे जो मैंने आपको 4-5 बताए हैं, और जो मैंने आपको बताया कि आप जब ऑलवेज टाइम अपने लक्ष्य पर फोकस करोगे, मतलब जो आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो, तो आप देखोगे कि जब आप मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, फोकस कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, और बार बार आप जब उस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको आपको रिजल्ट दिखना लगेगा कि हाँ आपके अंदर वो क्वालिटी आती जा रही है और परफेक्शन आते जा रहा है, जिससे आपका जो आत्मविश्वास है यानी जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी आपका बढ़ रहेगा, और ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। मतलब क्योंकि जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको अंदर से गुड फीलिंग होगा, पॉजिटिव फीलिंग होगी, हाँ आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, और आप आगे जाकर आपको उसमें जरूर सक्सेस मिलेगा। मतलब तो ये था दोस्तों मेरा आज का एक नया वीडियो कि आप जो भी अपने लाइफ में बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने जीवन का जो आपका लक्ष्य है पर आपको ऑलवेज टाइम फोकस करना पड़ेगा। मतलब तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो आप सभी को मेरे इस चैनल के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और उसके साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जो दोनों को प्रेस कर दीजिए, मेरे इस चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज को आप देख सके, उनसे कुछ सीख सके, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। मतलब तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे हमें जीवन में हमेशा अच्छी चीजों को शेयर करना चाहिए, कहने का मतलब अच्छी चीजें हमेशा शेयर करो। तो जीवन में हमेशा अच्छी चीजों को शेयर करो, हमारा आज का ये टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो आप सभी को दोस्तों पता ही होगा कि आजकल हमारे पास कई सारे मतलब जैसे अगर आजकल फोन का जमाना है, स्मार्टफोन्स का, एंड्रॉयड फोन्स का, और कई लोग आईफोन भी यूज करते हैं। मतलब तो जाहिर सी बात है जब इतना हमारा जो आजकल का जमाना एडवांस्ड है, स्मार्ट है, और हर व्यक्ति अपने साथ फोन कैरी करता है, कई लोग टैबलेट, कई लोग आईपैड भी कैरी करते हैं। मतलब और लगभग लगभग सभी लोग की अपने जो सोशल पेजेस पे अवेलेबल होते हैं, कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर और भी बहुत सारे जैसे सोशल पेजेस है जहाँ पर लोग अपना आईडी बनाकर मतलब यूज करते हैं और अच्छी अच्छी चीजों को शेयर करते हैं। कहने का मतलब तो कहने मतलब जब हमारे पास
प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। जैसे आजकल से लोग शॉर्ट वीडियोस बना के भी शेयर करते हैं कई लोग, तो वहाँ पे कई लोग मैं देखता हूँ वीडियो की, कई लोग अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में छोटे छोटे वीडियोस बनाकर शेयर करते हैं कि क्या क्या अच्छी आदतें होती हैं, क्या क्या अच्छी रूटीन्स होते हैं, क्या क्या अच्छी बातें होती हैं मतलब लाइफ के अंदर। तो दोस्तों हमें आजकल के टाइम में जैसे पता है कि आजकल जो अच्छा व्यक्ति होता है, जिसके अच्छे संस्कार अच्छे आचरण होते हैं मतलब, और जो अच्छे काम करता है अच्छे कार्य करता है मतलब, तो उसके साथ हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है, उसके संग दोस्ती करना चाहता है और उसके संग आगे तक बने रहना चाहता है कहने का मतलब। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग मतलब कि हमारे पास जैसे अगर हम अलग अलग सोशल पेजेस अवेलेबल है, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर और व्हाट्सएप या कोई शॉर्ट शॉर्ट्स ऐप में भी बहुत सारे जैसे शॉर्ट वीडियोस बनाने के भी मौज है, स्नैक है, जो भी है मतलब, तो हमें ऐसे चीज़ों को शेयर करना चाहिए मतलब, जिससे लोग जैसे 4-5 अलग अलग तरह की चीज़ें होती है मतलब, जिसको अगर हम शेयर करेंगे तो हर व्यक्ति को अच्छी नॉलेज मिलेगी, अच्छी ज्ञान मिलेगी, और जब अच्छी नॉलेज मिलेगी अच्छी ज्ञान मिलेगी तो वो व्यक्ति समाज में अच्छा ही बनेगा, और उसको जब वो अच्छी चीज़ मिलेगी तो वो भी आगे उस अच्छी चीज़ को फॉरवर्ड करेगा शेयर करेगा मतलब। अच्छी चीज़ों को शेयर करने से अपने दिमाग को अपने थिंकिंग को अपने ज्ञान को और अच्छा बना सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। तो कई सारे आज हम उस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसको अगर हम शेयर करेंगे तो हम उस चीज़ों से अच्छी चीज़ें शेयर कर सकते हैं मतलब। तो दोस्तों जैसे पहले हम बात करेंगे जैसे अच्छे पोस्ट की। अच्छे पोस्ट मतलब जैसे कई लोग कॉमेडी के पोस्ट शेयर करते हैं, तो कॉमेडी ऐसे कहा जाता है कि आजकल के टाइम हंसना जरूरी है हम लोग, क्योंकि पूरे दिन में चाहे वो किसी भी चाहे वो जॉब करने वाला बंदा हो, चाहे वो छोटे क्लास में जैसे 1 से लेकर 5वीं तक क्लास में पढ़ने वाला बच्चा हो या कॉलेज में, मतलब हर व्यक्ति की एज में मतलब उसकी एज के हिसाब से और उसके करेंट वर्क के हिसाब से मतलब उसको स्ट्रेस होता ही है, स्टडी का स्ट्रेस हो गया। अगर स्टूडेंट का बच्चा है, कॉलेज का बच्चा है, उसको अपना स्टडी का स्ट्रेस रहता है, असाइनमेंट बनाने हैं, प्रोजेक्ट बनाने हैं, अटेंडेंस पूरी रख रहे हैं, हमें मेंटेन करनी है। इस तरीके से जो कोई बंदा जॉब करता है उसको भी अपना स्ट्रेस का वो होता है मतलब, जो वर्किंग लेडीज होती हैं उनको भी अपना घर का काम करना होता है पूरा। तो मतलब आजकल हर व्यक्ति को मतलब लाइफ में उसका स्ट्रेस है ये अपने अपने काम को लेकर। तो अगर हम कोई भी चीज जो कॉमेडी पे मतलब जैसे जॉक्स वगैरह होते हैं मतलब, तो कोई बंदा क्योंकि फोन तो आजकल सबके पास अवेलेबल है, चाहे वर्किंग लेडीज हो या जैसे अगर स्टूडेंट में चलो तो सीनियर स्टूडेंट होते हैं उनके पास होता है, लेकिन घर में भी जब छोटा बच्चा भी होता है तो कहीं ना कहीं फोन लेके खेल रहा होता है क्या नहीं मतलब, अपने पेरेंट्स का फोन लेके। तो कहने पर अगर हम अच्छी चीज़ों को शेयर करें तो बच्चा अच्छा ही देखेगा, अपने पेरेंट्स का भले ही फोन क्यों ना यूज कर रहा हूँ। तो हमें जो लोगों को हंसाने वाले मतलब जिससे लोग जैसे जॉक्स हो गया जिसको सुनते ही लोग खिल उठते हैं मतलब, जैसे चूहे की बिल्ली के जॉक्स हो जाते हैं, चींटी हाथी के जॉक्स हो जाते हैं मतलब, या चूहे हाथी के जॉक्स हो जाते हैं मतलब, कई सारे जो फनी जॉक्स होते हैं उनको हमें शेयर करना चाहिए मतलब, ताकि अगर कोई व्यक्ति देखे तो हम तो हमारे चेहरे पर स्माइल तो आएगा ही मतलब, और कोई दूसरा जिसको भी हम फॉरवर्ड करेंगे शेयर करेंगे मतलब, तो वही बंदा देख के खुश हो जाएगा, उसके चेहरे पर कुछ टाइम पे स्माइल आ जाएगी मतलब, क्योंकि दिन भर काम करके पढ़ाई करके स्टडी करके फिर एकदम से जब कुछ टाइम के लिए फोन चलाते हैं और हमें अच्छी चीज़ों को शेयर करने को मिल जाए मतलब, कोई हमें अच्छी चीज़ शेयर कर देता है तो हमें अच्छा लगता है, अरे एकदम से दिमाग पे और चेहरे पे स्माइल आ जाती है अगर हम कोई फनी चीज या जोक या कॉमेडी की चीज देख लेते हैं मतलब। तो कहने वाला हमें अच्छी चीजें जोक्स वगैरह को अच्छा शेयर करना चाहिए मतलब, जोक्स वगैरह शेयर करने से हमें हंसने का मौका मिले और हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। दूसरा हो गया मतलब जैसे आजकल कई सारे लोग मोटिवेशनल कोट्स वगैरह शेयर करते हैं कि और जीवन में अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए, अच्छी सोच को रखना चाहिए, अच्छे विचार को रखना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए मतलब, हमेशा अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए और हमें अपने आसपास के पर्यावरण के साफ रखना चाहिए, हमें अपने एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए मतलब, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए मतलब, ऐसे दुनिया भर के लोग कोट्स लिखते हैं, मोटिवेशनल पॉइंट्स लिखकर शेयर करते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और हमें ऐसे ही चीज़ों को अपने दोस्तों को शेयर भी करना चाहिए ताकि वो भी अच्छी चीज़ों को और जान सके। जैसे हमें अपने जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके पास मतलब एज एज उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, तो उनके संग हम बैठकर उनके एक्सपीरियंस को अपने साथ शेयर करा सकते हैं ताकि हम कुछ लाइफ में अच्छी चीज़ों को जान सके मतलब। तो
कहने का मतलब जैसे होता है कि कोर्स वगैरह होते हैं मोटिवेशन, उनको हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, और अगर हमें कोई शेयर करता है तो हमें भी उन अच्छी चीज़ों को आगे शेयर कर देना चाहिए दोस्तों को, ताकि वो जिनके पास नहीं पहुँचा है वो भी उनको शेयर कर सके। हमें अच्छे अच्छे वीडियोस को बनाकर, शॉर्ट वीडियोस हो गए जैसे, तो जो भी होता है, मौज हो गया, जोश हो गया, स्नैक हो गया, वहाँ पे छोटी छोटी वीडियोस बनाकर शेयर करना चाहिए, जो कि मोटिवेशनल पे हो, कॉमेडी पे हो, या अच्छी अच्छी कोट्स पे हो, अच्छे अच्छे पॉइंट्स पे हो। तो उससे क्या होगा, लोगों को अच्छा मैसेज मिलेगा, अच्छा संदेश मिलेगा, और अच्छा मैसेज संदेश मिलेगा तो वो लोग अपने समाज में अच्छे ही बनेंगे, मतलब वो लोग भी अच्छी जगह को आगे फॉरवर्ड करेंगे कहने का मतलब। और चौथी चीज जो, ये तो हो गई वीडियो, मतलब वीडियोस की हो गई, कोट्स की बात हो गई, या कॉमेडी की बात हो गई। चौथी चीज हो गई, हमें अपने अपने अपनी सोच खुद परखना चाहिए कि मतलब कि क्या ऐसा हम करें जिससे हम और ज्यादा लीडर में अच्छे व्यक्ति बन सके, मतलब और अच्छा कर सके, और इससे हमारे जीवन में हमारे माता पिता का नाम रोशन हो, हमारे माता पिता का नाम रोशन होगा तो कोई फक्र होगा हमारे ऊपर। तो हमें अपने लाइफ के बारे में, अपने अपने ग्रोथ के बारे में सोचना है कि हम इसे क्या करें, मतलब तो जो जो भी हमारी लाइफ का ड्रीम है कि हम उसको हम सेट कर रहे हैं, या जो भी हम बनना चाहते हैं लाइफ के अंदर, उसके ऊपर वर्क करना। और अगर जो भी आपके लाइफ से, मतलब उसमें जो आपकी उस लाइफ या ड्रीम के गोल से कोई बिलोंग करता हो, तो हमें ऐसे फ्रेंड्स को अपने लाइफ में बनाना चाहिए और उनके संग फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, ताकि वो हमारे लाइफ में, जो भी हमारे लाइफ का टारगेट है, गोल है, उसमें हमारी वो मदद कर सके, हेल्प कर सके, मतलब। और जब वो हेल्प करेंगे तो हमें भी फिर अच्छा लगेगा, और हम उनकी अच्छी सोच को, हेल्पिंग नेचर को आगे अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि ये हमारे फ्रेंड हैं, और ये दूसरों की हेल्प करने में बहुत मतलब अच्छा, मतलब हेल्प करते हैं, और बहुत इनका अच्छा नेचर है मतलब, और जो भी ये चीज़ सीखते हैं उनको वो शेयर कर देते हैं कहने हैं मतलब। इस तरीके से जो काफी पढ़ने में इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, तो वो इस तरीके से जैसे आसपास जैसे कोई लोग रहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो मान लो कोई 10वीं 12वीं का बच्चा है, तो मतलब या तो ट्यूशन पढ़ा रहा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार तो ऐसे मतलब कुछ ऐसे फैमिलीज भी होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाती है ट्यूशन फीस वगैरह अपने घर की कंडीशन की वजह से। जैसे जो फैमिली से दिल्ली में रेंट पे रहती है, मतलब तो रेंट का किराया दे बच्चों को, पढ़ाई लिखाई करे या ट्यूशन पढ़ाए, अगर बच्चे उनके पढ़ने में वीक है मतलब, तो जो ऐसे ऐसे मतलब इटालियन बच्चे जो कॉलेज लाइफ पार कर गए और जो कोचिंग देते हो इंग्लिश स्पीकिंग की या दूसरे सब्जेक्ट्स की, तो उनको ऐसे बंदों की हेल्प, बच्चों की हेल्प करनी चाहिए जिनका जो बैकग्राउंड है या उनका फैमिली बैकग्राउंड काफी मतलब कमजोर है, मतलब पुअर है, तो उनको ऐसे बच्चों को, कुछ बच्चों को हेल्प कर देना चाहिए या उनको पढ़ा देना चाहिए, ताकि वो भी अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। वो अच्छे बन जाएंगे तो आपको मतलब लाइफ में दुआ देंगे, आपको ब्लेसिंग देंगे, और हो सकता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जो उनके फैमिली के मेंबर्स में कोई हो दूसरे हो तो वो अफोर्ड करे, तो उनका आपको रेफरेंस ही मिल जाएगा। तो कहने के मतलब हमें अपने जो हमारी जो भी हमने हमारे पास अच्छी चीजें हैं, हमारे पास अच्छा नॉलेज, अच्छी एजुकेशन है, उसको हमें शेयर कर देना चाहिए। जो अफोर्ड कर सकता है उससे तो हमें मतलब उसको तो हमें हम रखेंगे ही मतलब, लेकिन जो नहीं भी कर पाता, मान लो कि दुखी होते, तो उनको हमें ऐसे हेल्पिंग नेचर से उनकी उनको पढ़ा देना चाहिए, उनको उन चीज़ों को सिखा देना चाहिए मतलब। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो के थ्रू आप सभी को बताने की कोशिश की कि हमें अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों को शेयर करना चाहिए, अच्छी चीज़ों को शेयर करने से ही हर व्यक्ति लाइफ में अच्छा बन पाएगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा दिखेगा, तो अच्छा करेगा भी। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का यह नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक आसन बेल आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाकर दोनों को प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ का आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। आज हम बात करेंगे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि हमेशा अच्छी आदत अपना, ऑलवेज एक्सेप्ट गुड हैबिट्स, मतलब तो हमें हमेशा जीवन में अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे मतलब। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा आजकल के टाइम में जो हमारा समाज है, हमारा मतलब अलग अलग हमारे समाज में स्टेटस से बिलोंग करने वाले लोग
रहते हैं, मतलब कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई सिंपल फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब और कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। रिच फैमिली के पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी चीज़ों को वो मतलब उसका वो अपने लाइफ में उन चीज़ों को खरीद सकते हैं। उसके अलावा मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, उनके पास भी अच्छा घर होता है, गाड़ी वगैरह होती है। लेकिन जो व्यक्ति नॉर्मल क्लास या सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि दिल्ली में कई सारे दूसरे स्टेट से आकर लोग रहते हैं, मतलब बिहार, झारखंड, उड़ीसा और यूपी से भी, ताकि अपनी फैमिली के साथ रेंट पे भी रहते हैं कई सारे लोग, ताकि अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सके, अच्छा जीवन दे सके। तो उस चक्कर में वो बाहर जॉब भी करते हैं अपनी अपने घर की नीड्स को पूरा करने के लिए। उनके पास कई लोग गाड़ी साइकिल भी नहीं होती, कई लोग ऑफिस ऑफिस जहाँ पर भी वो काम करते हैं वो साइकिल से रहते हैं, या और क्या बोलते हैं ऑटो करके आते हैं या बस से आते हैं कहने वक्त। उनके लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल वाली होती है और डेली उनको उनका यही सर्कल चलता रहता है। तो कहने का मतलब इस तरीके से मतलब जो लाइफ होती है काफ़ी सबकी, हर हर व्यक्ति के लाइफ का जो साइकिल है वो चलता रहता है। और जब इस वर्ल्ड के अंदर मतलब जैसे जब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, मतलब तो कई लोगों का मतलब जैसे अलग अलग थॉट होता है, मतलब कि वो भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, या कुछ मतलब उनको लाइफ में कुछ अलग अलग प्रकार का मतलब जो उनका लाइफ का गोल होता है उसके बारे में सोचते रहते हैं, मतलब लेकिन और अपने अपने आप में ही मतलब वो खोए रहते हैं कि हम उसकी जो करें कैसे, उसका सही स्टेप क्या है, या उसको हम प्राप्त कैसे करें। मतलब तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जो भी हम लाइफ में बनना चाहते हैं, मतलब उसको बनने के लिए हमें अपने लाइफ के कुछ एक कुछ मतलब कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमें लाइफ में बनाना होता है। तो सबसे पहले अगर हम कोई भी चीज़ लाइफ में बनना चाहते हैं, मतलब तो हमें अपने आप को पहले अपने अंदर अच्छी हैबिट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अच्छी आदतों को अपनाना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कुछ हैबिट्स, अच्छे हैबिट्स की बात करेंगे यहाँ से, हम अगर हम उन हैबिट्स को अपनाते हैं, मतलब जो भी हमारे लाइफ का गोल है या टारगेट है ड्रीम है, उसको हम एक ना एक दिन अचीव कर सकते हैं। जैसे कि पता ही होगा कि जो स्टूडेंट स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो वो अपना लाइफ का टारगेट सेट कर लेते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि पढ़ाई के टाइम के जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब उन्होंने भी अपने लाइफ में कितना किसी फील्ड में करियर करके अपना लाइफ बनाया, और आज और फिर अपने घर को संभाला, घर की नीड्स को पूरी करी। और इसी तरीके से उनके फादर भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी फील्ड में करियर बना के करेंटली कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, और हमारे घर को संभाल रहे, घर की नीड्स को पूरी कर रहे हैं, मतलब और सबकी अच्छे से देख रेख भी कर रहे हैं। तो उसको भी आगे जाकर मतलब किसी ना किसी फील्ड में करियर बनाना पड़ेगा, और फिर घर मतलब अच्छा व्यक्ति बनना पड़ेगा कहने का मतलब। तो उसको पता होता है उसको भी आगे जाकर किसी ना किसी फील्ड को अपना करियर चूज करना ही पड़ेगा। तो आजकल हमारे पास कई सारे ऐसे करियर बनाने के लिए फील्ड के ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर और डांसर, सॉन्ग राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, मतलब जो जिसकी जिसने जैसे सोच हो वैसा व्यक्ति बन सकता है, मतलब जिसमें आप मेहनत करोगे, लगन रखोगे, मतलब और अच्छी बॉडी हो या अच्छी हाइट वगैरह, मतलब आर्मी में बॉडी या सिक्योरिटी गार्ड या और कई जगहों पर बन जाते हैं क्या, मतलब। तो मतलब हमारे पास आजकल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मतलब लाइफ में बनने के लिए। मतलब तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कुछ अच्छी, ये तो आप बन ही सकते हैं जो भी आपने लाइफ में बनना चाहते हो, बनने से पहले आपको अपनी लाइफ को अच्छी हैबिट्स के अंदर ढालना होगा, अच्छी हैबिट्स को एक्सेप्ट करना होगा। तो जैसे हमारी आज की कुछ, अब हम कुछ हैबिट्स को पॉइंट बाय पॉइंट बात करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो पहला अच्छी हैबिट की बात करें, तो हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। सुबह हमें मतलब जो सुबह जल्दी उठने की हैबिट्स को अपनाना होगा। जल्दी उठने से क्या होता है कि अगर आप स्टूडेंट है तो जल्दी उठकर आप स्टडी कर सकते हो, और स्टडी करोगे तो आपको वो बेनिफिट होगा, क्योंकि सुबह के टाइम में लो मतलब आवाज वगैरह नहीं होती, हर तरफ शांति होती है। सुबह उठकर आप स्टडी करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, मतलब आपके लिए बेनिफिट होगा, मतलब और आपको अगर स्टडी अच्छे से करोगे तो आपका फोकस भी होगा, आगे जाकर आपके जो एग्जाम्स वगैरह होंगे तो अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो आपको पहला जो अच्छा हैबिट रखना है वो है कि आपको सुबह उठकर जल्दी उठना है, मतलब 4, 5 या 6 बजे जो भी होता है टाइम। उसके अलावा फिर आपको सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। मॉर्निंग वॉक पर जाने से शरीर फिट रहता है, हेल्दी रहता है और हैप्पी भी रहता है। तो आपको सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए, ये हमारी दूसरी हैबिट है। तीसरी हैबिट जो है, आपको सुबह उठकर योगा वगैरह करना चाहिए। अगर खासतौर पर फीमेल है तो उनको योगा वगैरह करना चाहिए। योगा करने से भी बॉडी हेल्दी फिट और गुड लुकिंग रहती है, मतलब काफी
काफी ग्रो भी करती है। तो आपको सुबह योगा वगैरह करना चाहिए। चौथी चीज जो है वो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना चाहिए। मेडिटेशन करने से जो हमारा दिमाग होता है काफी शांत रिलैक्स रहता है, काम रहता है, और शांत दिमाग से ही हम किसी भी चीज को लाइफ में अचीव कर सकते हैं। मतलब तब हमारा पूरा फोकस लगेगा, शांत दिमाग होगा तो। हमें सुबह उठकर मतलब मेडिटेशन करना चाहिए, कहने का मतलब ये भी हमारे अच्छे हैबिट्स में आता है। जो पांचवी हैबिट है, गुड हैबिट, वो ये सुबह उठते जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारे घर में, दादा दादी नाना नानी या जो भी हमसे बड़े होते हैं, उनके पैरों को छूना चाहिए। और उनके पैरों छूते हैं तो वो हमारे सर पे हाथ रखते हैं, सर पे हाथ रखते हैं तो जो भी उनकी ब्लेसिंग होती है हमारे अंदर, मतलब हमारे अंदर समा जाती है और वो हमको प्रोटेक्ट भी करती है। मतलब तो हमें सुबह उठकर मतलब अपने अपने से बड़े बुजुर्गों का पैर छूना चाहिए उनको, और उनको मतलब उनकी ब्लेसिंग लेनी चाहिए मतलब पैर छूने के बाद। इसी तरीके से जो छठे हैबिट से वो ये है कि जब जैसे जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं मतलब, तो उनका जो भी मतलब लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, मान लो 60-70 साल के, 80 साल के बाद दादा दादी नाना नानी है मतलब, तो उन्होंने पूरी लाइफ देखी होती है मतलब, उनके पास लाइफ का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आपको अच्छे से बता सकते हैं मतलब। तो उनके साथ आपको रात को बैठ कर 1-1.5 घंटा उनके साथ बातें करनी चाहिए, उनकी वो रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। एक होता है किताबी एक्सपीरियंस, किताबों में पढ़कर आप चीजों के बारे में जान रहे हो, या रिसर्च करके, या यूट्यूब पे, या गूगल पे, लेकिन जो आपके सामने बंदा बैठा हुआ है आपके दादा दादी के रूप में, नाना नानी के रूप में, उनसे आप पूछे, वो तो उन्होंने अपने लाइफ में उस चीज के बारे में रियल एक्सपीरियंस किया उसे। तो जो भी आपके लाइफ में डाउट्स हो या जो भी कुछ हो, तो उनके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए और रियल एक्सपीरियंस को फील कीजिए उनसे बात करने के बाद, कहने के मतलब। इस तरीके से जो सातवें और जो अच्छे हैबिट है वो ये कि आप अपने टाइम के पंक्चुअल बनो। जो भी आप अपने लाइफ का टाइम, जो भी आप अपने मतलब जो भी आप काम करना चाहते हो मतलब, उसको उसी टाइम में करके कंप्लीट करो। मतलब टाइम पर आप करोगे तो ये रहेगा आपके ऊपर वर्कलोड या स्ट्रेस कम होगा आपके दिमाग के अंदर, तो आप फ्री टाइम में जो आपका मन पसंद का काम होगा उसका आप कर सकते हो। तो जो सातवें चीज आपको बताया वो था कि आपको मतलब जो भी आपका काम है मतलब उसको टाइम पर आपको करने की आवश्यकता है। टाइम पर करोगे तो आपको स्ट्रेस कम रहेगा। आठवीं जो चीज है वो ये है कि आप जो भी आपका, हाँ, जो आपके खान पान है मतलब, आपको हेल्दी चीजें खानी चाहिए मतलब। आप हेल्दी चीजें खाने के आदत डालोगे, जैसे कि बाहर आजकल कैसे जंक फूड भी होते हैं मतलब, मोमो, स्टिक्की, बर्गर, चाउमिन, समोसा, कचौड़ी वगैरह, ये सब कभी 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 कभार टेस्ट के लिए अच्छा है मतलब, बट आपको अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, फिट एंड हेल्दी रखने के लिए आपको हेल्दी फूड फ्रूट हेल्दी चीज़ों को ही खाना चाहिए। जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, कई लोग सैलेड के रूप में भी कच्चे वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, और सात्विक फूड जिसे बोलते हैं बिना रसायन प्याज के, लोग आजकल बहुत ज़्यादा लोग खाना पसंद करते हैं मतलब। तो आपको हमेशा फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स और तुरंत ताजा बना हुआ खाना खाना चाहिए, जूस वगैरह पीना चाहिए, ताकि आपका जो शरीर है वो हेल्दी रहे, हैप्पी रहे और स्ट्रांग रहे, कहने का मतलब। उसके अलावा नौवीं हैबिट आपको बताऊँ तो आपको टाइम पर सोना चाहिए मतलब। टाइम पर सोओगे तो ये कि आपकी टाइम पर नींद पूरी हो जाएगी मतलब। तो आपको डेली कम से कम 6 से 7 घंटे या 8 घंटे सोना ही चाहिए, क्योंकि एक एक आम आदमी को कम से कम 8 घंटे की नींद पूरी लेनी चाहिए एक अच्छे हेल्थ के लिए। तो आप 11 बजे सोओगे तो ये कि 5-6 बजे आपकी नींद पूरी हो जाएगी अच्छे से। तो आपको जल्दी सोने की आदत डालनी चाहिए मतलब। ये हो गई आठवीं हैबिट। नौवीं हैबिट अगर बात करें तो जो भी आपके मतलब फोन है, लैपटॉप है, तो आपको उसके अंदर अच्छी चीजों के बारे में, जैसे जो आपके लाइफ के लिए फायदेमंद है या जो आपके लाइफ के लिए अच्छी है, उन चीजों के बारे में आप सोच कर उनके बारे में वीडियोस देखो, उनके बारे में जानकारियां इकट्ठी करो, तो वो भी आपके लिए, आप उन चीजों को देखोगे सीखोगे तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा होगा मतलब। और दसवीं जो चीज मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति आपको अच्छी चीज शेयर करता है मतलब, उसको आप एक्सेप्ट करो, और कोई चीज कोई आपको बेकार चीज शेयर करता है उसको आप दूसरों को फॉरवर्ड मत करो। जैसे कई लोग बोलते हैं कि 9 लोगों को भेजो ये मैसेज, 10 लोगों को भेजो या 16 लोगों को भेजो, वरना ये ऐसे ऐसी चीजें हमें नहीं शेयर करनी चाहिए। अच्छी मोटिवेशनल वीडियोज, कॉमेडी के जॉक्स या अच्छी 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 बातें मतलब, उन चीजों को हमें शेयर करना चाहिए, कहने का मतलब। तो आपको अच्छी, जो भी आपको अच्छी चीज शेयर करता है उसको आप देखिए, समझिए, उसको ही आगे दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। तो ये हमारी 10वीं हैबिट थी दोस्तों। आज मैंने बात की कुछ अच्छे अच्छे हैबिट्स के बारे में, जो कि इस वीडियो के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की। अगर आप इन वीडियोज को, अगर आप इन हैबिट्स को अपनाओगे लाइफ में, तो आप एक ना एक दिन जरूर अच्छे व्यक्ति बनोगे, और अपने जो भी आपके लाइफ का गोल है, टारगेट, आप उसको जरूर अचीव करोगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स।
हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस चैनल मतलब चैनल के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और साथ में आपको एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा। तो अभी जाइए, दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे इस चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि मैं आने वाले हफ्ते में वीडियोस का आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के नए वीडियो। आज हम बात करेंगे अपनी सोच को बढ़ाओ, मतलब अपनी सोच को ग्रोथ करो, मतलब कहीं एक जगह पर अपनी सोच को मतलब पकड़ कर मत रखो, मतलब तो अपनी सोच को अच्छे तरीके से आप बढ़ाओ, उसमें ग्रोथ करो अपनी सोच के अंदर। तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे, अपनी सोच को बढ़ाओ। अच्छे मतलब तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि मतलब आजकल का जो टाइम है, मतलब आजकल के टाइम में हमारे जो समाज में कई अलग अलग तरह के लोग होते हैं, मतलब जो अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करते हैं। कोई मतलब हाई फाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके पास जीवन की सारी सुख सुविधाएं हैं, वो कोई भी चीज मतलब खरीद सकता है, मतलब जो भी सुख सुविधाओं से रिलेटेड हो। मतलब दूसरे आते हैं मिडिल क्लास फैमिली, जिनके पास लगभग सभी अच्छा घर बार और सुख सुविधाएं होती है, मतलब। और जो तीसरे होते हैं सिंपल या नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग। ऐसे लोग देखे रहते हैं ज्यादातर दिल्ली जैसे शहर में, मतलब जैसे मैं दिल्ली पे रहता हूँ, मैं देखता हूँ काफी सारे लोग जैसे यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, अपना घर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे घर काफी महंगे हैं। मतलब तो आम बंदे के लिए, जैसे कई लोग जैसे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यूपी से आते आकर यहाँ पर रहते हैं अपने फैमिली के साथ और अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, रेंट पे रहते हैं वो, फिर सुबह रहते हैं, उनके पास कई लोग साइकिल भी नहीं होती, कई लोग साइकिल से रहते हैं, कई लोग ऑटो से रहते हैं, कई लोग बस से रहते हैं, चेन्नई में आता है। तो उनकी लाइफ, वो सुबह उनका जो डेली का जो रूटीन होता है, मतलब उस तरीके से उनका सर्कल चलता रहता है, कहने का मतलब। उनकी काफी लाइफ काफी स्ट्रगल वाली होती है, मतलब कि कभी भी प्राइवेट जॉब होती है और कभी भी निकाल दिए तो फिर उनको जॉब ढूंढने में काफी टाइम लगता है, और तब तक उनका वो टाइम जो होता है वेस्ट होता रहता है, मतलब तब तक वो बेरोजगार होते हैं, कहने वाला। तो उनकी लाइफ काफी स्ट्रगल वाली होती है, कहने मतलब। तो इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो किसी भी फैमिली में क्यों ना पैदा हो, रिच फैमिली या मिडिल क्लास या सिंपल फैमिली, जब वो पैदा होता है बच्चा, तो ऐसा देखा जाता है कि पैदा होने के बाद 1 से 3 साल तक की जो उसकी एज होती है, इस एज में वो जो बच्चा होता है, मतलब खास तौर पे वो 2-3 चीज़ों को सीखता है, चलना फिरना बोलना और खाना, दांत वगैरह निकलते हैं, मतलब। तो 2-3 चीज़ें करता है, खेलना कूदना चलना फिरना खाना, ये 2-3 चीज़ें करना करता भी और सीखता भी। लेकिन जैसे ही वो 14 साल में प्रवेश करता है, तो 14 साल में प्रवेश करते हैं, स्कूल में डाल दिया जाता है। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट स्कूल जो कि पहले यानी फर्स्ट से लेकर प्राइमरी यानी 5वीं तक होता है, और फिर 6 से लेकर 10 तक जिसको हम सेकेंडरी, और 6 से लेकर 12th यानी जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं, मतलब। दूसरे होता है प्राइवेट स्कूल जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर KG, LKG, UKG, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते हैं, फिर आगे की हमारी क्लासें होती हैं। तो मतलब पूरे बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है, वो किसी भी स्कूल में डाल दिया हो तो वो हर साल की क्लास को अपने मेहनत लगन और परिश्रम से पास करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है, कहने मतलब। लेकिन जब वो 14 साल में उसको स्कूल में डालते हैं, मतलब 4 साल से लेकर 13 साल तक एज होती है उस बच्चे की, ऐसे में ऐसा माना जाता है कि उस बच्चे की जो एज होती है, इस टाइम में वो जो बच्चा होता है, उसका ज्यादातर जो मतलब उसका फोकस होता है, उसका जो मन होता है, खेलने कूदने पर ही लगता है, जैसे हम उनके बच्चे होते हैं, चाहे वो उसके क्लास में हो, उसके स्कूल में हो, या गली में हो, या घर में क्यों ना हो, मतलब। तो वो हम उनके बच्चों के साथ खेलना कूदता चाहते हैं, फिर कपड़े क्यों ना गंदे हो रहे हैं, चोट क्यों ना लग रहे हैं, बाल क्यों ना गंदे हो रहे हैं, चोट भी लगती है थोड़े टाइम के लिए और होता है, लेकिन फिर से वापस वो खेलने लगता है, खेलने मतलब। लेकिन जैसे ही वो 14वें साल में प्रवेश करता है, तो उसका चाइल्डहुड टाइम ऐसे माना जाए खत्म हो जाता है, फिर वो बच्चा धीरे धीरे बाहरी चीजों को समझना शुरू करता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे कपड़े गंदे नहीं करना है, मतलब, और मतलब मुझे नीट एंड क्लीन दिखना है, क्योंकि कपड़े गंदे करना तो मम्मी मारेगी, टीचर भी मारेगी, कपड़े गंदे करना मम्मी को धुलना होता है तो गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। ये भी देखता है फिर आगे की क्लास में जाने के बाद कि वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स है, वो भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के अपने टाइम में उन्होंने फैमिली को संभाला, फैमिली के नीड्स को पूरे किए, और
देख रेख किया। इस तरीके से जो मेरे फादर है वो भी कितने किसी फील्ड में अपना करियर बना के हम कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और हमारी हमारे पास हमारी नीड्स को पूरी कर रहे हैं, घर को संभाल रहे हैं। तो वो देखता है कि आगरा का हमें भी मतलब मुझे भी आगरा कितना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना ही पड़ेगा मतलब। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर सोच के बारे में। कई लोग जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको पता होता है कि हमारे पास आजकल कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है मतलब फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, फोटोग्राफर, डांसर, सिंगर, सॉन्ग्स राइटर, अच्छी बॉडी, अच्छी हाइट वगैरह, तो लोग आर्मी में या बॉडी बिल्डर, सिक्योरिटी गार्ड, जिम ट्रेनर बन जाते हैं मतलब। तो हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो कई सारे मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं मतलब, वो चूज तो कर लेते हैं मतलब कि हमें लाइफ में ये बनना, फोटोग्राफर बनना है, डांसर बनना है, सिंगर बनना है या टीचर बनना है, लेकिन वो अपने वहीं पे आगे टक जाते हैं, अपनी सोच को आगे नहीं बढ़ाते हैं मतलब कि हमें पता तो है हमें ये बनना है बट कैसे बनना है, उन चीज में वो उसको मतलब क्या उसको मतलब उसको आगे बढ़ नहीं बढ़ पाते हैं मतलब, अपने और सोच को ज्यादा एक्सपेंड या विस्तार नहीं कर पाते, उसको उसको और आगे बढ़ा नहीं पाते, अपनी सोच को और आगे बढ़ा नहीं पाते, वहीं पर आगे अटक जाते हैं। तो कहने मतलब अभी मैं आपको चार पांच ऐसे सीक्रेट बताऊंगा जिसको आप फॉलो करोगे और उससे आप अपनी सोच को बढ़ाओगे और सोच को बढ़ाने के साथ ही आप अपना जो भी अपने आपके लाइफ का ड्रीम है, गोल है, उसको आप अचीव भी कर सकते हो मिलकर। तो जो पहला सीक्रेट है वो ये है कि आपको अगर आपने डिसाइड कर लिया अपनी सोच के साथ ही मेरे को लाइफ में ये बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फोटोग्राफर, डांसर, सिंगर बनना है मतलब, तो आपको सबसे पहले जो भी आपके लाइफ का टारगेट है या गोल है उस पर आपको हार्डवर्क करने की आवश्यकता है, हार्ड वर्किंग। तो आपको उसके ऊपर हार्डवर्क करना चाहिए। हार्डवर्क करेंगे तो आप देखोगे धीरे धीरे आपको अचीवमेंट रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मतलब, और हार्डवर्क करने से आपका सोच भी बदलेगी मतलब। तो आपको पहला जो चीज़ है वो आपको हार्डवर्क करने चाहिए। दूसरा जो है वो आपको जो भी आपका गोल है आपको उसके ऊपर आपको पूरा 100% एफर्ट देना पड़ेगा, पूरी पूरी 100% कोशिश करनी पड़ेगी आपको मतलब। एफर्ट देने से भी आपकी सोच दिखेगी, हाँ मैं अपना पूरा एफर्ट दे मतलब दे रहा हूँ तो उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। जो तीसरी चीज़ है वो ये आपको फोकस करनी पड़ेगी, आपको पूरा पूरा उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आप करना चाह रहे हो पूरा ध्यान से उसको उस काम को करना पड़ेगा, उसके जो भी स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा मतलब। तो आपको उसके ऊपर पूरा 100% अपना फोकस भी देना पड़ेगा कहने मतलब। और जो चौथी चीज़ है वो है आपको उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मान लो आपने जो भी आपने लाइफ का गोल है, ड्रीम है, तो उसमें कई सारे स्टेप्स होंगे, पैटर्न्स होंगे मतलब या रूल्स होंगे, उनका आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उन स्टेप्स का उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई एक्टिविटी है तो उसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने से आप जान पाओगे कि आप उसको कितना परसेंट अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो या सही नहीं कर रहे हो। तो जितना परसेंट आप अच्छा करोगे आपको दिखेगा, और जितना परसेंट आप अच्छा नहीं करोगे उसको आपको नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा इंप्रूव करोगे मतलब। क्योंकि बोलते हैं ना कि इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है कहने वाला। तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से ही करनी पड़ेगी जो भी वो आपकी लाइफ का ड्रीम है उसके बारे में मतलब, उसके जो स्टेप्स वगैरह या एक्टिविटी है। जो पांचवी एंड लास्ट चीज़ है वो है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, यानी आपको अपने जीवन में धैर्य रखना पड़ेगा। तो पेशेंस रखोगे तो आप देखोगे कि पेशेंस रखने से क्या होता है कि आप फिर किसी भी काम को कंटिन्यू हार्डवर्क, फोकस, एफर्ट और प्रैक्टिस से कंटिन्यू आप कर सकते हो मतलब। तो आपको पेशेंस नहीं रखोगे क्या होगा, आप थोड़ा सा करें फिर आपका धैर्य छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है मतलब। तो आपको पेशेंस लाइफ के अंदर रखना चाहिए मतलब, और पेशेंस रखोगे तो आप देखोगे कि आप जो भी अपने लाइफ का जो ड्रीम है, आपके लाइफ का गोल है, टारगेट है, आप उसको अचीव कर लोगे मतलब। तो जब चार पांच रूल्स को फॉलो करोगे, हार्ड वर्क, फोकस, एफर्ट, प्रैक्टिस एंड पेशेंस, तो आपकी सोच अपने आप ही बढ़ती जाएगी, आपकी सोच का अपने आप ही विस्तार हो जाएगा मतलब, एक्सपेंड होता जाएगा मतलब। और आपके पास आजकल दूसरे बहुत सारे सोशल पेजेस अवेलेबल है, गूगल है, यूट्यूब है, जहाँ भी जाओ आप पूछ सकते हो, जो भी आपके मन के डाउट्स वगैरह होते हैं टाइप करके सर्च करके आप पूछ सकते हो और अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हो। और आपने जो मन में दुविधा है, अपने सोच में कोई क्वेश्चन वगैरह आ रहा है उसको भी आप जाकर गूगल या यूट्यूब पर पूछ सकते हो मतलब, जिसका उसका आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मतलब। तो इससे भी आपका सोच का विस्तार होगा और आपकी सोच बढ़ेगी मतलब। तो इस तरीके से आप अपने आप को जीवन में आगे बढ़ा सकते हो और जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है या टारगेट है मतलब, उसको अपनी लाइफ को लाइफ में अचीव कर सकते हो। तो कहने का मतलब पूरा पूरा इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताने की कोशिश की, जो भी आपको अपने जीवन में बनना है और आपकी जो अपनी सोच है उसको बढ़ाओ। आप अपनी सोच को बढ़ाओ, अपने जीवन के अंदर की जो आपकी सोच है किसी भी काम को करने के प्रति या
जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हो उसके प्रति अपने उसकी सोच को एक्सपेंड करो अच्छी गुड वे में। और जैसा मैंने आपको टिप्स भी दिए उनको फॉलो करते हुए, तो आप देखो कि आप इतनी उन चीजों को अचीव कर पा रहे हो। मतलब तो कैसा लगा आप सब मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और साथ में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए और दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशन वीडियो के बारे में। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि बोलो कम करो ज्यादा। मतलब आज का मतलब हमें जो भी हमारी लाइफ का जो गोल होता है या ड्रीम होता है, तो हमें उसको हर जगह बताने से ज्यादा अच्छा है, बोलने से ज्यादा अच्छा है कि हम उस पर वर्क ज्यादा करें। मतलब तो करने हमें करने पर ज्यादा विश्वास करना चाहिए और बोलने पे कम, क्योंकि अगर बोलने पर अगर वो चीज रियल में नहीं हुई तो लोग हमारे मजाक उड़ाएंगे, हम पर हंसेंगे और हमारे पर तरह तरह की बातें करेंगे। तो बेटर यही है कि हम बोले कम और करें ज्यादा। तो इसी टॉपिक को लेकर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इस वर्ल्ड के अंदर मतलब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। मतलब कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई सिंपल फैमिली से, कोई नॉर्मल फैमिली से, कोई हाई क्लास फैमिली से। मतलब तो जो बंदा रिच फैमिली से बिलोंग करता है उसके पास अपनी सारी सुख सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज वगैरह, वो जो चाहता है वो उसको खरीद सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं उनके पास सारी लगभग सुख सुविधाएं होती हैं, मीडियम घर होता है और गाड़ियाँ वगैरह होती है। लेकिन जो बंदा नॉर्मल क्लास या सिंपल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैंने कई जगह कॉलोनी में देखा है, मतलब कि लोग बाहर के राज्यों से जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा से यहाँ पे आकर जॉब करते हैं। मतलब रेंट पे रहते हैं, रेंट पे रहते हुए जॉब करना और अपने कई लोग साझीदा होते हैं तो अपने घर की नीड्स को पूरी करना बहुत टफ होता है। मतलब तो डेली सिर्फ साइकिल से जाना या बस में या ऑटो से जाना, मतलब और फिर पूरा दिन भर काम करके वापस फिर बस से या ऑटो से या पैदल ही आते हैं। मतलब तो उनकी लाइफ काफी मतलब टफ होती है, काफी मतलब परेशानियों से भरी हुई होती है, क्योंकि उनको डेली लाइफ में वो करना होता है, स्ट्रगल काफी उनके लाइफ में होता है। तो कहने का मतलब फिर इस वर्ल्ड के अंदर जिसमें मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, तो जब जब कोई व्यक्ति इस वर्ल्ड के अंदर पैदा होता है, मतलब चाहे वो फिर किसी भी फैमिली मतलब किसी भी स्टेटस वाली फैमिली में क्यों ना पैदा होता हो, मतलब तो एक्चुअली पैदा होने के बाद हम देखते हैं कि जब वो मतलब वो जो बच्चा होता है, मतलब तब वो किसी भी फैमिली में पैदा होता है, तो पैदा होने के मतलब कहा जाता है कि 1 से लेकर 3 साल तक की एज होती है उस बच्चे की। मतलब उस एज में वो 2 से 3 चीजें ही मतलब सीखता है और करता है। जैसे बोलना सीखता है, उसके दांत वगैरह निकलते होते हैं, वो चलना चलना सीखता है अपने पैरों पर, पहले हाथ पैर दोनों चलता है, फिर धीरे धीरे पैरों पर भी चलना रहता है, और खाना खाना सीखता है। तो कहने का मतलब पहले 1 से लेकर 3 साल वो 1 2 3 चीजें करता है, खाना पीना सीखता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है। लेकिन जैसे ही 4 साल में प्रवेश करता है तो उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है, उसका एडमिशन में दाखिला करा दिया जाता है। तो जैसे आप सबको पता ही होगा कि जैसे हमारे भारत जैसे में मतलब 2 तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, जो कि फर्स्ट यानी पहली से लेकर प्राइमरी 5वीं तक होता है, उसके बाद फिर 6ठी से लेकर 12th तक जिसको हम सेकेंडरी, 6ठी से लेकर 12th जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा जो स्कूल होता है वो होता है प्राइवेट, जो कि ज़्यादातर मतलब नर्सरी से शुरू होता है, फिर नर्सरी से LKG UKG फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते हैं, फिर आगे की क्लासे हम पूरी करते हैं। तो जब उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है, मतलब वो गवर्नमेंट में प्राइवेट में, तो धीरे धीरे वो हर साल एक ही क्लास को अपने मेहनत लगन और परिश्रम से मेहनत करते हुए आगे वो पास करते हुए हर क्लास को पूरा मतलब पास करते हुए जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन उसको 14 साल में स्कूल में डाल दिया जाता है, तो 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है उस बच्चे की, मतलब ऐसा कहा जाता है कि उस बच्चे का वो टाइम होता है, वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपन का टाइम होता है। तो
इस एज में एक्चुअली वो बच्चा होता है, ज्यादातर उसका जो मन होता है, ध्यान होता है, खेलने कूदने पर ज्यादा उसका लगता है। मतलब हम उनके जो बच्चे होते हैं, गली में हो, स्कूल में हो, क्लास में हो या घर के अंदर ही हो, उनके साथ उसको घूमना फिरना काफी अच्छा लगता है। मतलब चाहे फिर कपड़े क्यों ना गंदे हो रहे हैं और धूल मिट्टी लग रही है, चोट भी क्यों ना लग रही है, चोट भी लगने का थोड़ी देर तक वो चार होता है, फिर वापस खेलने कूदने लगता है। मतलब तो कहने का मतलब जो 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है, वैसे कहा जाता है कि इस एज में बच्चे का जो चाइल्डहुड टाइम होता है, हमने भी अपने टाइम में इस एज में बहुत खेले कूदे, मतलब और काफी अच्छा लगता था। मतलब तो इस एज में मतलब काफी खेला कूदा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा मतलब 14 साल में प्रवेश करता है, जैसे उसका स्टार्ट होता है, धीरे धीरे वो बच्चा होता है वो चीजों को, बाहरी चीजों को समझना शुरू कर देता है। मतलब क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चाहिए, क्या गलत है, मुझे कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, ना मैडम मारेंगे, मम्मी को कपड़े धोने प्रॉब्लम होगी, मम्मी भी मारेंगे, मतलब टीचर टीचर में डांटेंगे, मतलब और कपड़े गंदे करेंगे तो अच्छा नहीं होता। मतलब मुझे क्लीन दिखना चाहिए, तो वो सोचता है और अच्छी पढ़ाई करनी है, मुझे मुझे क्लीन दिखना है, बड़ा अच्छा बनना है लाइफ में। वो भी देखता है कि अगर उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उसके मतलब फैमिली के अंदर, तो उन्होंने भी अपने लाइफ में मतलब जब उनका टाइम था तो उन्होंने पढ़ाई करते हुए किसी अच्छे फील्ड में अपना करियर बनाया, और फिर आगे की पूरी लाइफ और घर को संभालने में, घर की नीड्स को पूरा करने में लगा दिया जॉब करते हुए। उसके बाद उनके फादर वो भी कहीं ना कहीं किसी फील्ड में अपना करियर बना के आगे, वो करेंटली कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और फैमिली को संभाल भी रहे हैं और फैमिली की नीड्स को पूरी भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आगे भी मुझे किसी ना किसी फील्ड में करियर बना के, और मुझे भी लाइफ में कुछ अच्छा बनना पड़ेगा। तो इसके बाद वो क्या होता है, वो जो बच्चा होता है, जैसे अब हम बात करेंगे जैसे कि बोलो कम और करो ज्यादा, तो जैसे कई तरह के बच्चे होते हैं, मतलब जो जैसे आजकल काफी सारे हमारे पास करियर बनाने के ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बैंक मैनेजर, बॉडी अच्छी खासी हाइट वगैरह, तो लोग आर्मी में चले जाते हैं, बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, सिंगर, वोकल, सॉन्ग राइटर, डांसर, और भी बहुत टीचर, लेक्चर, प्रोफेसर, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन आपको बनना क्या है वो आपकी सोच पे, आपकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है और आपकी विश पे डिपेंड करता है कहने का मतलब। तो हम जो भी चीज लाइफ में डिसाइड कर ले, तो कई बच्चे या कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डिसाइड तो कर लेते हैं हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, हमें हम सिंगर बनना चाहते हैं, हम डांसर बनना चाहते हैं, या हमें डॉक्टर बनना है, हमें फोटोग्राफर बनना है। तो वो सबको जैसे कई आदत होती है कि हम अपने स्कूल लाइफ में होते हैं कि मेरे को आगे रखिए बनना, मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा या ऐसे करके दिखाऊंगा। मतलब फिर कॉलेज में पहुंचते हैं और वो नहीं बनाती, तब भी उनकी यही ड्रीम रहती है कि हम ऐसे, मैं ऐसे बनूंगा, लेकिन कब बनूंगा ये मुझे नहीं पता होता, मतलब उनको पता नहीं होता है। तो मतलब वो सिर्फ बोलते तो रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं होते। एक्चुअली में अगर क्या होता है, अगर आप बोल ही रहे हो, आपके फ्रेंड देख रहे हैं, बंदा बोलने वाला है लेकिन करता कुछ भी नहीं है, आगे जाकर वो फिर आपको मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे अरे तू तो बहुत बोल रहा था कि तू स्कूल टाइम में कि तू ये करेगा वो करेगा, ये बनेगा वो बनेगा, फिर कॉलेज में भी तूने बोला लेकिन एक्चुअली तूने तो कुछ किया नहीं। ऐसे में क्या होता है कि जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, मतलब ये हमारे जानकार होते हैं, तो वो हम उनके सामने मतलब हमारे मजाक उड़ाते हैं और दूसरी तरह दूसरे लोगों से बातें भी करते हैं, दूसरे फ्रेंड से ये बहुत ऐसा बोलता था। तो कहना है मतलब हमें जो भी हमारे लाइफ का ड्रीम है या हमारे लाइफ का गोल है या जो भी हम लाइफ बनना लाइफ बनना चाहते हैं, अगर हमने सेट कर लिया है तो हमें जो भी हमारे लाइफ का गोल है, तो हमें कम बोलना चाहिए लाइफ के अंदर और करने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर हम कम बोलें, किसी को बताएंगे ही नहीं कि हमारे लाइफ का ये ड्रीम, हमें ये बनना है, ये अचीव करना है, और हम उसको सिर्फ करते हुए मतलब बोले कम और सिर्फ करते हुए अगर हम प्रूव करेंगे और एकदम से बनेंगे, तो बंदा बोलेगा अरे ये बंदा तो कुछ बताता नहीं था और एकदम से इतना बड़ा बंदा बन गया, इतना सक्सेसफुल हो गया, इसको इतने सारे मतलब चीजें मिल रही हैं, या इतना आगे हमसे आगे बढ़ गया, तो बंदे तुम्हारी तारीफ करेंगे, बोलेंगे अरे इस बंदे ने तो कुछ बताया नहीं, लेकिन बंदा बोलता कम करता ज्यादा है। मतलब तो वहां पे आपका जो एक वैल्यू और ज्यादा बढ़ रहा है अपने फ्रेंड्स के बीच में। मतलब तो आपको अपने जीवन के अंदर जो भी आपने मतलब जो लाइफ के लाइफ में आपका गोल है, आपका ड्रीम है, टारगेट है, आपको उसके प्रति मतलब उसके बारे में लोगों को कम चीजें बतानी है या कम स्प्रेड करना है, मतलब उस स्प्रेड मतलब आपको कम फैलाना है जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है। मतलब आपको उन चीजों को अपने अंदर ही रखना है जो भी आप बनना चाहते हो, करना चाहते हो, मतलब और उसके ऊपर वर्क ज्यादा करना है, मतलब उस पर आपको इम्प्लीमेंट ज्यादा करना है। तो वर्क करते हुए जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है आप करोगे, तो एक ना एक दिन आप जरूर उसको अचीव करोगे। आपको हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, एफर्ट और पेशेंस रखने की जरूरत है और फोकस करने की जरूरत है, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे पिछली वीडियो से बता चुका हूँ। तो जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है, इन 4-5 सीक्रेट्स का फॉलो करो और कम बोलने की आदत डालो और करने की ज्यादा आदत डालो, फिर आप देखोगे कि आपका जो भी आपका लाइफ का ड्रीम है
आप उसको इजिली आसान तरीके से उसको अचीव कर पा रहे हो, 5 रूल्स को फॉलो करते हुए, फोकस, एफर्ट, हार्डवर्क, पेशेंस एंड प्रैक्टिस। तो आप देखोगे कि लाइफ में आपके जो भी आपके लाइफ का टारगेट है, गोल है, आप उसको इजिली अचीव कर पा रहे हो, और दोस्त भी आपकी तारीफ करेंगे, आपसे फ्रेंडशिप करेंगे, और आपके बारे में वाह वाह भी होगी, आपकी तारीफें भी होंगी, वो दोस्त वो दूसरे दोस्तों के बीच में होंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कि कम हमें कम बोलना चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा करने पर विश्वास करना चाहिए। तो इस तरीके से कैसे लगी आप मेरी आज की नई वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, तो आप सभी को मेरे इस चैनल के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। आज हम बात करेंगे हमें समय के पाबंद बनो, मतलब हमें अपने जीवन के लिए समय का पाबंद बनना चाहिए। हमें अपने जो भी हमारे काम होते हैं उनको टाइम पर करना चाहिए, मतलब उसको डिले नहीं करना चाहिए, कल पर नहीं करना चाहिए। तो समय के पाबंद बनो, समय के पाबंद वाले हमें हर काम को टाइम पर ही करना चाहिए कहने के। तो इसी से लेकर आज हम इस टॉपिक से लेकर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम, मतलब जो काफी भाग दौड़ में रही है हर व्यक्ति की लाइफ, काफी मतलब वर्क से लोडेड है, मतलब चाहे वो किसी भी एज का व्यक्ति क्यों ना हो, मतलब तो चाहे वो स्टूडेंट की लाइफ हो, चाहे वो कॉलेज वाले स्टूडेंट की लाइफ हो, चाहे वो जॉब पर्सन क्यों ही ना हो, मतलब तो अभी हम बात करेंगे, मतलब जैसे जैसे आजकल के टाइम में, जैसे इस वर्ल्ड के अलग अलग स्टेट से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, कोई रिच फैमिली से, कोई नॉर्मल फैमिली से, कोई सिंपल फैमिली से, हर रिच फैमिली के पास सारी फैसिलिटीज वगैरह, नॉर्मल फैमिली के मिडिल क्लास के पास भी सारी मतलब लगभग सारी सारी फैसिलिटीज ही होती हैं, अच्छा घर होता है, घर और अपना गाड़ी वगैरह होता है। लेकिन जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि दिल्ली में कई जगहों पर लोग रेंट पर रहते हैं, मतलब बाहर स्टेट वगैरह से, उड़ीसा, बिहार, झारखंड वगैरह आके फैमिली के साथ रहते हैं और अपने घर को संभालते हैं, उनके नीड्स को पूरी करते हैं, मतलब उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वो होता है, मतलब सुबह उठकर जॉब पे जाना, फिर काम करना, फिर वापस आना, उनके पास गाड़ियाँ भी कईयों के पास नहीं होती, तो बस से रहते हैं या ऑटो करते हैं या साइकिल से रहते हैं कहने का मतलब। तो कहने का मतलब उनकी लाइफ में काफ़ी मतलब स्ट्रगल रहता है कहने का मतलब। और तो इसी तरीके से जब इस मतलब वर्ल्ड के अंदर जब कोई मतलब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो किसी फैमिली में क्यों ना पैदा हो, मतलब तो पैदा होने के बाद जैसे देखा जाता है कि जो मतलब जो 1 से लेकर 3 साल तक की एज होती है, चाहे वो किसी भी फैमिली में क्यों ना पैदा होता है, उस बच्चे की एज 3 साल तक की होती है। इस एज में वो जो बच्चा होता है, ज़्यादातर उसकी 2-3 चीज़ों को करना सीखता है, जैसे चलना फिरना, बोलना, खाना पीना सीखता है, मतलब तो फिर इसको इन 2-3 चीज़ों को सीखने के बाद जब उसकी एज 3 साल कंप्लीट हो जाती है, मतलब तो उसे 4थे साल से मतलब उसको स्कूल में डाल दिया जाता है, उसका एडमिशन जो दाखिला करा दिया जाता है। तो जैसे हमारे भारत देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, जो कि पहले से लेकर 5वीं यानी फर्स्ट टू प्राइमरी, उसके बाद 6 से लेकर 10 तक जिसको हम सेकेंडरी, या 6 से लेकर 12 तक होता है जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर KG, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते हुए आगे की क्लासें होती है, मतलब तो वो बच्चा को स्कूल में डाल दिया जाता है, चाहे वो किसी स्कूल में हो, तो हर साल वो हर एक क्लास को मेहनत करते हुए, मतलब हर एक क्लास को पूरा करता हुआ आगे आगे बढ़ता रहता है, मतलब तो जो 4 साल से लेकर 13 साल तक की एज होती है, वो पढ़ता था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस एज में उस बच्चे को खेलने कूदने में काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे हम उनके बच्चे होते, चाहे उसके क्लास में हो, स्कूल में हो, घर में हो, या गली में हो, तो इस एज में वो बच्चा काफ़ी खेलता कूदता है, उसको वो अच्छी लगती है, मतलब लेकिन जैसे ही वो मतलब 13 साल कंप्लीट करता है, 14 साल में प्रवेश करता है, मतलब तो इसके पहले
कपड़े वगैरह गंदे करता था, धूल मिट्टी में खेलता था तो उसको अच्छा लगता था, लेकिन और सोचता नहीं था इन चीज़ों के बारे में। लेकिन जैसे ही वो 14 साल में प्रवेश करता है तो वो बाहरी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे नीट एंड क्लीन दिखना है, कपड़े गंदे नहीं करने, मतलब मम्मी मारेगी कपड़े गंदे करने पर, टीचर मारेगी और पनिशमेंट भी देगी मतलब। और वो यह भी देखता है कि उसकी फैमिली में मतलब उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादाजी या नाना जी, उन्होंने अपने लाइफ में अपने टाइम में अपने लाइफ में किसी ना किसी फील्ड में करियर करके जॉब किया और अपने घर को संभाला और अपने नीड्स को पूरी की उनकी। और सिर्फ उनके फादर भी हैं मतलब, तो वो भी कहीं ना कहीं पे जॉब करते हुए करेंटली किसी ना किसी फील्ड में करियर बना के हमारे नीड्स को पूरी कर रहे, जॉब करते हुए हमारे घर को संभाल रहे। तो वो भी ये देखते हैं आगे मुझे भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना होगा मतलब। तो आजकल हमारे पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और टीचर, प्रोफेसर, लेक्चर, सॉन्ग सॉन्ग राइटर, सिंगर, डांसर, और ऐसे अच्छी बॉडी हो तो मतलब हाइट हो तो लोग आर्मी में चले जाते हैं, और या डॉक्टर भी और या फिर बॉडी बिल्डर ट्रेनर वगैरह भी बन जाते हैं मतलब। तो क्या है मतलब ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है अपने लाइफ में बनने के लिए। अब हम बात करेंगे जैसे कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं या मतलब कई सारे लोगों की आदतें होती है, स्टूडेंट्स होते हैं, कई सारे बंदों की व्यक्ति ह्यूमंस की एक मतलब हैबिट होती है मतलब, कि जो भी वो काम करते हैं चाहे वो छोटे क्लास में होते हैं बच्चे या बड़े क्लास में, 10th 12th में, कॉलेज में मतलब, तो जो भी वो जैसे खासतौर पर देखा रहता है एग्जाम के टाइम, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो एग्जाम तो उनका आएगा ही मतलब, तो जो भी उनके सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं मतलब, सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं और एग्जाम दो तरीके से होता है, एक हाफ ईयरली होता है और एक एनुअल होता है। तो उनको पता होता है कि और एग्जाम में जैसे अभी हाफ ईयर, अभी एडमिशन जून जुलाई का एडमिशन हो गया, पता है कि हाफ ईयरली एग्जाम दिसंबर या में होगा, दिसंबर में। तो सर सो वो बच्चे सोचते हैं जैसे जो छोटी क्लास में होते हैं या बड़ी क्लास में, कि अरे अभी तो बहुत टाइम है हमारे, 5 महीने का टाइम, हम कल कर लेंगे, या टाइम की पाबंदी नहीं होते, वो कल पर उन चीज़ों को छोड़ कर चले जाते हैं मतलब, टाइम के पंचुअल नहीं होते हैं। ऐसे करते करते क्या खुद का ही घाटा होता है मतलब, क्योंकि आप ऐसे करते करते तीन चार फिर एकदम से जब पता चलता है कि 2 हफ्ते बाद एग्जाम है, तो आप एकदम से सारी चीज़ों को फास्टली या बहुत ही तेजी से पढ़ना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपके ऊपर जो स्टडी का जो वर्क, स्टडी का जो लोड होता है काफी ज्यादा आ जाता है मतलब। तो इस चक्कर में क्या होता है कि आप अच्छे से इसका प्रिपरेशन नहीं कर पाते, तैयार नहीं कर पाते, और एग्जाम में फिर कल कम नंबर आते हैं। इस तरीके से फिर मान लो आपको एग्जाम दे भी दिया, उसके बाद फिर जनवरी में फिर स्कूल खुलता है, फिर जनवरी फरवरी मार्च में फाइनल एनुअल एग्जाम्स वगैरह होता है, फिर ये दिमाग में होता है कि अरे चलो हाफ ईयर भी निकल गया, अब बाकी एनुअल वालों में हम और अच्छे मेहनत करेंगे मतलब, और अभी तो 2 महीने का टाइम है मतलब। फिर ऐसे करते करते हम टाइम निकाल देते हैं एकदम से, फिर आ जाता है, फिर एकदम से फटाफट तैयारी करनी शुरू कर देते हैं मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपना टाइम पर हर चीज करते हैं मतलब, तो उनके अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन कई बंदे ऐसे नहीं कर पाते या रूल्स को नहीं बना पाते मतलब, और वो टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, तो उनके फिर आगे जाके प्रॉब्लम होती है। तो कहने का मतलब कि हमें जो भी हमारा काम मिलता है, हमें घर से भी बहुत, हमें घर में भी हमारे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे अपने खुद के मतलब, जैसे मम्मी अगर कपड़े वगैरह धुल देती है तो उसको अच्छे से मतलब ड्रेस वगैरह को मेंटेन करना, अपने कपड़े सही से अच्छे से रखना, होमवर्क टाइम पर करना, क्लास वर्क जो बताता है उसको टाइम पर करना मतलब, डिले नहीं करना, जो भी काम मिलता है उसको तुरंत के तुरंत फिनिश करना, क्योंकि आप और एक तरीका और भी है कि आप एक अपने डेली शेड्यूल का मतलब, जो भी आप एक दिन में काम करते हो मतलब, उसका एक टाइम टेबल बना सकते हो मतलब, कि सुबह मोटे से इतने बजे उठना है, इतने बजे तैयार होकर स्कूल जाना है, फिर इतने वापस आना है, फिर 1-2 घंटे खेलना है, फिर मोटे स्टडी में लग जाना है मतलब। अगर स्टूडेंट है तो उनका ज़्यादा फोकस तो स्टडी पर ही होगा मतलब, तो आपको इस तरीके से इंडेक्स बनाकर आप टाइम को अपने टाइम के पंचर बन सकते हो, और हर काम को अपने टाइम पर कर सकते हो मतलब। इस तरीके से जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैं भी दिल्ली के पीजीडी भी कॉलेज के पास आउट ऑफ 2050 के मतलब, तो कॉलेज टाइम में भी हम जैसे सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं मतलब, तो सेमेस्टर के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, एक होता है नवंबर, नवंबर के टाइम, नवंबर के मिडल में होता, फिर होता है सेकेंड सेमेस्टर होता है मतलब अप्रैल के एंड से स्टार्ट होता है। तो हर मतलब हर साल हमें 6 सेमेस्टर होता है, हर साल में 2 सेमेस्टर के एग्जाम देने होते हैं जनरल। तो वहाँ पर ही बच्चे ये होते हैं कि अगले सेमेस्टर के एग्जाम है, जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह हैं लास्ट के 1 महीने में हम तैयारी अच्छे से कर लेंगे, तो वहाँ पर भी हम चीज़ों को टालते रहते हैं, टाइम पर नहीं करते, टाइम पर स्टडी नहीं करते, और नेक्स्ट मतलब हर अगले दिन पे फॉरवर्ड करते रहते हैं कि हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो फिर हम टाइम को अच्छे से यूज नहीं कर पाते, एकदम से स्टडी का लोड ज़्यादा हो रहा था कहने वाला। तो कहने का मतलब
वहां पर भी हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक इंडेक्स बनाना चाहिए, और अपने एक डेली रूटीन को बनाते हुए हमें उस चीज को फॉलो करना चाहिए, ताकि हम समय के पाबंद और पंक्चुअल बने और समय को वेस्ट होने से बचाने लाइफ के अंदर। क्योंकि समय में बहुत बड़ी ताकत है, जो व्यक्ति समय का अच्छे से सदुपयोग कर लेता है, उसको अच्छे से उसका यूज कर लेता है, मतलब वही व्यक्ति आगे के जीवन में एक अच्छा सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाता है। मतलब और जो व्यक्ति मतलब सिर्फ मतलब जो भी उसके काम वगैरह होते हैं उस टाइम पर जो उसको दिया हुआ होता है, उसको करना होता है, मतलब उस टाइम पर नहीं करता है या आगे रह करता है, मतलब तो उसको आगे और ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। इससे किसी जो बंदे जॉब भी करते हैं, तो किसी मतलब बॉस ने बोल दिया कि हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करना है 1 महीने बाद, या 1 महीने बाद हमें इस प्रोजेक्ट को खत्म कर देना है, या मुझे रिजल्ट चाहिए, और आपको काम आता है चाहो तो उस काम को 1 हफ्ते में खत्म कर सकते हो, लेकिन आपको 1 महीने का टाइम होता है, तो हम सोचते हैं कि कल करें कल करें कल कर लें। तो वहां पर भी इस तरीके से हमें एकदम 1 हफ्ते का, फिर 1 हफ्ते बढ़ते हैं तो हम फिर एकदम से वो स्ट्रेस हो जाता है वर्कलोड का। तो वहां भी हमें इंडेक्स टाइम टेबल या डेली रूटीन का एक शेड्यूल बना के हमें काम को करना चाहिए। कहने में तो कहने मतलब फाइनल यही बात है कि हमें अपने जो भी हमारा दिन चल रहा होता है, डेली रूटीन होता है, उसमें हमें टाइम को वेस्ट ना करते हुए टाइम के पंचोल बनने की आवश्यकता है, टाइम के पाबंद बस समय के पाबंद बनने की आवश्यकता है। हम टाइम के पंचल बनेंगे, हर काम को टाइम पर करेंगे, समय पर करेंगे, तो हमारा हर काम अच्छे से होगा, परफेक्ट होगा, हमें उसमें अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा, और हम आगे जाके अपने लाइफ में अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे। मतलब तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो कि हमें मतलब समय का पाबंद बनना चाहिए, टाइम का पंचुअल बनना चाहिए। कैसा लगा आप सबको मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो आप सभी को वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है एक मोटिवेशनल है, और आज हम बात करेंगे सोचो ज्यादा करो ज्यादा। मतलब जीवन के अंदर आप सोचो ज्यादा अच्छे चीजों के बारे में, और उसको फिर कर भी डालो। कहने का मतलब हमारे आज का ये टॉपिक है सोचो ज्यादा और करो ज्यादा ऑन गुड वे, मतलब अच्छी चीजों के बारे में सोचते हुए, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा जैसे आजकल के टाइम में मतलब जो हमारा वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड के अंदर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, मतलब कोई अलग अलग स्टेट से बिलोंग करने वाले, कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मिडिल क्लास, कोई सिंपल क्लास, कोई हाई क्लास, मतलब और सबके अपने लाइफ में अलग अलग तरह के मतलब वर्क्स हैं, उनके नीड्स और उनके काम है उनके पास अपने अपने। तो इस वर्ल्ड के अंदर मतलब जैसे जैसे जो बंदे रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास सारे उनके पास सुख सुविधा है, सारी फैसिलिटीज वगैरह है, मतलब वो जो चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, गाड़ी बंगला सब कुछ उनके पास है, मतलब सारे सुख सुविधाएं। जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पास भी अपनी मतलब, क्योंकि वो भी उनके मतलब वो भी अच्छे से मतलब मेहनत करते हैं लाइफ के अंदर, उनके पास भी सारी फैसिलिटीज लगभग लगभग होती है, अच्छा घर होता है, गाड़ी होती है। मतलब उसके बाद आता है सिंपल फैमिली वाले लोग जो होते हैं, मतलब जो ज्यादातर जैसे दिल्ली में कई जिनके 40 40 गज या 50 या 25 गज के घर होते हैं, 1 2 फ्लोर के बने हुए होते हैं, और उसके अलावा कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर के स्टेट से आके मतलब दिल्ली में, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में आकर रहते हैं, रेंट पर रहते हैं, मतलब अलग अलग कॉलोनियों में, और रेंट देते हैं मगर महीने का। तो ऐसे सिंपल लोगों की जो जॉब होती है उनको जॉब करना पड़ता है, मतलब और जब वो जॉब करते हैं तभी वो अपने नीड्स को पूरी करते हैं, मतलब और अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरी करते हैं जॉब करते हुए। उनके पास अपनी गाड़ी भी नहीं होती है, कई लोग साइकिल से जाते हैं, कई लोग बस, कई लोग ऑटो पकड़ कर अपने अपनी जगह पर जहाँ पर भी उनका ऑफिस होता है, जहाँ पर भी वो काम करते हैं वहां पर जाते हैं। तो इस वर्ल्ड के अंदर मतलब जैसे जब कोई व्यक्ति मतलब जब कोई व्यक्ति पैदा होता है, बच्चा हो के मतलब जब वो कोई व्यक्ति पैदा होता है इस वर्ल्ड के अंदर, मतलब तो पैदा होने के बाद जो उसका मतलब चाहे वो किसी फैमिली में क्यों ना पैदा हो, मतलब रिच फैमिली नॉर्मल या सिंपल, तो पैदा होने के बाद जो उसको मतलब उस बच्चे की जो लाइफ होती है, मतलब क्या रहता है,
एक से 3 साल तक की जो लाइफ होती है उसका जीवन होता है, इस एज में वो जो बच्चा होता है मतलब खासतौर पर 2-3 चीजें करना ही सीखता है, जैसे बोलना सीखता है, खाना पीना सीखता है, चलना सीखता है अपने पैरों पर, मतलब धीरे धीरे उसके दांत भी निकलते हैं मतलब, और धीरे धीरे उसका जो 3 साल तक की एज तक वो थोड़ा थोड़ा साफ भी बोलने लगता है। तो ऐसे 3 साल तक की जो एज होती है उसमें यही 2-3 काम करता है जो कि मैंने बताया, बोलना, चलना, फिरना, खाना पीना, उसके दांत वगैरह निकलते हैं। लेकिन जैसे ही 3 साल उसे कम्प्लीट होता है उस बच्चे को मतलब स्कूल में डाल दिया जाता है। जैसे कि हमारे जैसे भारत देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक होती है गवर्नमेंट स्कूल जो कि पहले से स्टार्ट होते हैं फिर 5वीं से लेकर प्राइमरी तक, देन 6 से लेकर 10 तक जिसको हम सेकेंडरी या 12th जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा जो टाइप का स्कूल तो होता है प्राइवेट स्कूल, जिसमें जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो होती हैं नर्सरी से स्टार्ट होती है, फिर नर्सरी, फिर KG, फिर LKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते हुए आगे की फिर क्लासे होती हैं कहने का मतलब। तो उस बच्चे को क्लास में डाल दिया जाता है, देन वो बच्चा हर साल मेहनत करते हुए हर एक क्लास को पूरा करता है और आगे की अपनी पढ़ाई को पूरा करता है, स्कूल, फिर कॉलेज, फिर आगे का जो बिल्कुल डिग्री वगैरह लेना होता है। तो कहने का मतलब जब उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है तो उसकी जो एज होती है मतलब, फिर कहा जाता है कि जो 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है मतलब, इस एज में वो जो बच्चा होता है मतलब उसका ये जो टाइम होता है चाइल्डहुड का टाइम होता है मतलब, उसे खेलने कूदने में जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज क्लास में हो, या गली में हो, या घर के अंदर ही हो, उनके साथ उसको खेलने में बहुत मजा आता है और वो काफी उसको अच्छा भी लगता है कहने में मतलब। खेलते वक्त कपड़े गंदे हों, खराब हों, फट जाए, या धूल धूल में मिट्टी वगैरह लग रही हो, इसका उसे कोई मतलब उसको खास फर्क नहीं पड़ता, चोट भी लगती है तो कुछ टाइम के लिए होता है, वापस ही पुराने वाले मूड में ही वो हो जाता है खेलने कूदने के। तो इस तरीके से मतलब जैसे बताया कि 4 साल लेकिन 13 साल तक की एज होती है बचपन वाली एज होती है, चाइल्डहुड का टाइम होता है। लेकिन जैसे ही वो 14 साल में प्रवेश करता है मतलब, तो धीरे धीरे बाहर की चीज़ों को समझने लगता है कि मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, वो नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए क्योंकि मैडम मारेगी, और अगर कपड़े गंदे मम्मी भी मारेगी क्योंकि उनके कपड़े गंदे हैं प्रॉब्लम होगी, और मुझे अपनी लाइफ में अच्छा बनना है, इस तरीके से। तो एक्चुअली अब हम यहाँ पर हम बात करें कि और क्या बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको टॉपिक बताया कि सोचो ज्यादा करो ज्यादा कहने का मतलब, तो यहाँ पर वो देखता है वो बच्चा कि मतलब उसकी जो फैमिली में उसके जो पेरेंट्स से मतलब, जैसे उसके जो ग्रैंड पेरेंट दादा या नाना जी थे, उन्होंने भी अपने टाइम में कितना किसी फील्ड में अपना करियर बना के आगे जॉब की और अपने फैमिली को, हमारा फैमिली की नीड्स को पूरी की। इस तरीके से जो उसके फादर है वो भी कई करेंटली कितने किसी उसमें काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने लाइफ में कितने किसी फील्ड में अपना करियर बनाते हुए फिर जॉब करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही उसको भी आगे जाके कितने किसी फील्ड में अपना डिसाइड करना पड़ेगा, उसको अपने जीवन में क्या बनना है, क्या करना है, और क्या उसको उसकी लाइफ क्या ड्रीम्स वगैरह है मतलब। तो कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी मतलब जो सोचते ज्यादा है मतलब, और सोचते हैं मतलब, तो सोचने में क्या होता है कि बस सोचते ही रहते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते। जैसे कि अगर वो सोचते हैं कि हमारे पास आजकल जैसे मतलब करियर बनाने के लिए बहुत सारे हमारे पास फील्ड अवेलेबल है, जैसे हम किसी भी फील्ड में जैसे आजकल जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फोटोग्राफर, जैसे बॉडी अच्छी खासे लोग आर्मी में चले जाते हैं, वो जिम ट्रेनर बन जाते हैं, बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, और डांसर, सिंगर, मतलब जो चाहो आप बन सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत लाइफ में करने की जरूरत पड़ेगी मतलब। तो कोई भी लाइफ में हमारा हमारा जो लाइफ का ड्रीम होता है सिर्फ सोचने से ही काम नहीं होता, सोचो जरूर लेकिन उसको इम्प्लीमेंट यानी करना भी होता है कहने का मतलब। तो इसलिए अगर आप जो भी लाइफ का ड्रीम आपने सेट कर रखा है लाइफ के अंदर कि मुझे इस फील्ड में मेरा करियर बनाना है, इस फील्ड में जाना है, ये बनना है लाइफ के अंदर, ये मेरे को इस फील्ड में करियर बनाकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं इसमें काफी मेरे पैशन का एरिया है मतलब, मेरे को इसमें काफी अच्छा लगेगा। तो जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है या आपके लाइफ का गोल है मतलब, आप उसको सोचते मत रहिए, सोचिए जरूर, इस सोचने के साथ साथ जो उसके स्टेप्स होते हैं मतलब, मान लो कोई भी आप कोई भी लाइफ में आपका ड्रीम है तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, नीतियां बनानी पड़ेंगी, उसके ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके स्टेप्स को क्लियर करना पड़ेगा, उसको वर्क करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कहने का मतलब। तो कहने का मतलब आपको सोचने सोचने के साथ साथ उस पर आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी मतलब, उसको आपको करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए
मैंने आपको बताया, तो आप कर कैसे सकते हो? जैसे आप लाइक कोई भी ड्रीम है, आप सोचने के साथ अगर आप 4-5 चीजों को फॉलो करोगे, कुछ रूल्स को मतलब जो या जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में सोचोगे भी अच्छा और करोगे भी अच्छा। तो जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है उसको आपको अचीव करने के लिए अपने लाइफ में जो पहली चीज है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए वो ये है कि आपको हार्ड वर्क करनी चाहिए। जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है, आपके लाइफ का गोल है, मतलब सोचो भी और करो भी, तो करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करोगे तो आप उस चीज में अपने आपको इम्प्रूवमेंट फील करोगे, मतलब हार्ड वर्क को उस पर कंटिन्यू कीजिए। जो दूसरा सीक्रेट वो है, आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, यानी फोकस करके ही आप किसी चीज को अच्छे से कर सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट भी कर सकते हो। दूसरा हो गया आपका फोकस, तीसरा जो है वो आपका एफर्ट, यानी आपको अपने पूरे 100% एफर्ट देनी पड़ेगी, आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप करते रहे बट आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा ही है या पूरा आप नहीं दे पा रहे हो, दिमाग कहीं और है, तो आपको एफर्ट अपना 100% देना पड़ेगा। चौथी जो चीज है, जो भी आपका लाइफ का ड्रीम है, आपके लाइफ का गोल है, उसको आपको उसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लाइफ के अंदर जो भी आपका वो आपका गोल है, उसके लिए वर्क करके स्टेप्स है, उनकी आपको बार बार अपने लाइफ के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने से ही आप उस चीज़ में आप जान पाओगे कि आप उसमें कितना परफेक्ट हो चुके हो। क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत ही बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, कहने का मतलब। तो आपको उस चीज़ के बारे में अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और फिफ्थ एंड लास्ट है वो है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ में धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि हम हार्डवर्क करते हैं, फोकस रखते हैं, एफर्ट देते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं, बट अगर पेशेंस नहीं रखते, मतलब थोड़ा टाइम तक ही आपने दिमाग ने बोला कि अरे इसमें तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, या हम अपना धैर्य को खो देते हैं, पेशेंस को खो देते हैं, तो पेशेंस ना रखते हुए फिर जल्दी उस किसी भी चीज़ पर फोकस अच्छे से नहीं कर पाते हैं, मतलब। तो आपको पेशेंस जो यानी धैर्य जो है आपको अपने लाइफ में रखना ही पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि जब ये 4-5 आप जो मैंने आपको सीक्रेट बताया है, जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप इन 4-5 रूल्स को फॉलो करेंगे और सोचोगे, तो आप है ही कि जो भी आपको लाइफ में बनना है उसके बारे में आप सोचोगे, और सोचने के साथ अगर आप करोगे भी जिसको मैंने आपको 4-5 रूल्स के साथ बताया गया, उन 4-5 रूल्स को फॉलो करते हुए करोगे, तो आपको डेफिनेटली एक ना एक दिन आपको लाइफ में आपको जरूर सक्सेस मिलेगा, मतलब। तो आपको ज्यादा सोचना भी है और ज्यादा करना भी है, मतलब। और आप एक ना एक दिन आप जरूर अपने लाइफ का जो भी आपका ड्रीम है उसको जरूर अचीव करोगे। दोस्तों ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो, सोचो ज्यादा करो ज्यादा, तभी अपने लाइफ का जो आपका ड्रीम है उसको आप अचीव कर सकते हो। कैसा लगा आपको मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।